हाय गाइस, आज हम लोग पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं। पैकेज पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आपने मेरा मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट देखा है। अगर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर पैकेज आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। सो जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो जिसमें मैंने मॉड्यूल के बारे में डिटेल में बताया है उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप पैकेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो पैकेज क्या होता है इन पाइथन? Packages are a way of structuring Python's module namespace by using dotted module names. A package can have one or more modules, which means a package is a collection of modules and packages. A package can contain packages. Package is nothing but a directory or folder. So package क्या? Package है जैसे कि एक folder आपने बनाया, अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक फोल्डर बनाते हैं तो वह फोल्डर पाइथन में पैकेज कहलाता है। और एक पैकेज के अंदर आप बहुत सारे मॉड्यूल रख सकते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या? पाइथन का फाइल। तो एक पैकेज के अंदर यानी कि एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारा फाइल रख सकते हैं। फिर पाइथन की लैंग्वेज में इसको बोलें तो एक पैकेज के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल आप रख सकते हैं, साथ में एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज भी हो सकता है, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी हो सकता है इन पाइथन। इन शॉर्ट पैकेज कलेक्शन होता है मॉड्यूल का और पैकेजेस का। पैकेज के अंदर जब आप पैकेज बनाते हैं तो उसे हम लोग सब पैकेज कहते हैं, यानी कि जो ऊपर में रहता है उसे पैकेज और उसके अंदर जो रहेगा उसको सब पैकेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझिए, ये आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, ये हमारा पैकेज कहलाएगा। और इस पैकेज के अंदर ये हमारे मॉड्यूल्स हैं यानी कि पाइथन के फाइल्स हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। साथ में इस पैकेज के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है जो कि सब पैकेज कहलाएगा। सो होपफुली कि पैकेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पैकेज क्या होता है। कुछ है नहीं, इसका लॉजिक ही नहीं बनता। पैकेज मतलब फोल्डर, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं कि पैकेज क्रिएट कैसे करते हैं। सो क्रिएटिंग अ पैकेज, पैकेज इज नथिंग बट अ डायरेक्ट्री और फोल्डर विच मस्ट कंटेन अ स्पेशल फाइल कॉल्ड _INIT_.py। सो पैकेज क्रिएट कैसे करना है? एक न्यू फोल्डर बनाइए आपका पैकेज क्रिएट, लेकिन उस पैकेज के अंदर यानी कि उस फोल्डर के अंदर में एक फाइल होना चाहिए, ये वाला, जिस फाइल का नाम आप लिखेंगे _INIT_.py से इसको सेव करना है। ये उस फोल्डर के अंदर ये फाइल होना चाहिए। ये फाइल क्या करता है? _INIT_.py फाइल कैन बी एम्प्टी, ये खाली हो सकता है बट आपको बनाना पड़ेगा फिर भी। इट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्टरी इट कंटेन्स इज अ पाइथन पैकेज। ये इंडिकेट करता है कि जिस भी डायरेक्टरी में ये है वह एक पैकेज के रूप में है। मतलब आप किसी भी फोल्डर को पैकेज कैसे कह सकते हैं? उस फोल्डर को पैकेज कहा जाता है जब आप ये फाइल उसमें रख देते हैं, तब तो वह पैकेज के रूप में माना जाने लगता है। सो इट कैन बी इम्पोर्टेड द सेम वे अ मॉड्यूल कैन बी इम्पोर्टेड। अब यहाँ इम्पोर्टिंग की बात करते हैं कि पैकेज को आप इम्पोर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे तरीके से आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं उसी तरीके से आप पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं डॉट डॉट लगाकर। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में। बट इस चीज़ हमें क्या लेना है, इस चीज़ हमें ये लेना है कि जब आप न्यू फोल्डर बनाते हैं तो आप एक सिंपल सा फोल्डर बनाते हैं। जब आप उस फोल्डर के अंदर में एक फाइल बनाते हैं _INIT_.py से इसको सेव कर देते हैं उस फाइल को उस फोल्डर के अंदर, तो वह फोल्डर पाइथन का पैकेज बन जाता है। इस फाइल में आपको कुछ लिखना नहीं है तो मत लिखिए, ये खाली ही रहेगा, बट ये फाइल आपको बनाना है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये आप नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज इम्प्लिसिटली ये सारी चीज़ें वर्क करने लगी हैं। पहले पाइथन 2 में क्या होता था कि ये बनाना बहुत ही ज़रूरी होता था, मतलब ये पाइथन 2 में अगर आप काम करते हैं अभी भी और ये फाइल अगर आप नहीं बनाएंगे फोल्डर में तो उसको पैकेज के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन पाइथन 3 में आई गेस ये बनाना ज़रूरी नहीं है। पाइथन 3 के बाद से, मुझे एग्जैक्ट वर्जन याद नहीं है कि पाइथन 3 पॉइंट कितना है, बट पाइथन 3 के बाद से ये ज़रूरी नहीं है। तो आप ये नहीं भी बनाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बट मैं यही कहूँगा कि आप इस फाइल को ज़रूर से बनाइए ताकि आपके ध्यान में भी रहेगा कि ये फोल्डर आपका पैकेज है। साथ में इस कोड को आप किसी और वर्जन, पाइथन के किसी और वर्जन में भी रन करेंगे तो ये आसानी से रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर। सो कभी भी इम्प्लिसिट के भरोसे नहीं रहना, हमेशा आपको एक्सप्लिसिट करना है हर चीज़, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा इस भरोसे में हम लोग कभी नहीं रहते हैं, हम उसको मैनुअली कर देते हैं। एक सिनेरियो लेते हैं कि किस किस तरीके से पैकेजेस क्रिएट की जाती हैं, कैसे मॉड्यूल्स उसमें रखा जाता है, तो आपको इसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि पैकेज में किस तरीके से काम किया जा सकता है।
अच्छा पैकेज मतलब क्या? पैकेज मतलब फोल्डर। फोल्डर क्यों हम लोग बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। अब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसमें सारा फाइल आप एक जगह तो रखेंगे नहीं, आप चाहेंगे कि जो भी मेरा डेटाबेस से रिलेटेड फाइल है वह एक फोल्डर में हो, या फिर एडमिन से रिलेटेड जितना भी फाइल है वह एक फोल्डर में हो, यूज़र से रिलेटेड जितना भी फाइल हो वह एक फोल्डर में हो, अगर थर्ड पार्टी कोई हम लोग कुछ यूज़ करें तो वह हमारे एक फोल्डर में हो, डेटाबेस का यूज़ करें तो वो हमारे एक फोल्डर में। तो फोल्डर बाई फोल्डर हम लोग मैनेज करते हैं फाइल को। एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल हो सकते हैं, यानी कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। इस तरीके से मैनेज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग पैकेजेस का यूज़ करते हैं इन पाइथन। एक पूरा आप प्रोजेक्ट कैसे स्ट्रक्चर करेंगे यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। सो एज्यूम करते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम मैंने रखा हुआ है SMS। SMS का फुल फॉर्म समझ लीजिए कि सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा नाम है जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ। ये एक फोल्डर है, पैकेज है मतलब ये एक फोल्डर है, हमने एक फोल्डर बनाया उसका हमने नाम लिख दिया SMS, और ये समझ लीजिए कि हमारे प्रोजेक्ट का भी नाम है। तो SMS हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि एक्चुअली में एक फोल्डर का काम करेगा। ये क्या होगा? एक फोल्डर का। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर में बना रहा हूँ एडमिन नाम का, SMS नाम के, यानी कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है हमारा यूज़र नाम का। देन एक और फोल्डर मैंने बनाया टेक नाम का। देन इसमें मैंने एक मेन फाइल बनाया मेरा, ये geekysource.py। SMS यानी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, इसको अगर आपको पैकेज बनाना है तो आपको ये वाला फाइल बनाना पड़ेगा, हालांकि मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी हम लोग बनाएंगे। देन एडमिन के अंदर एडमिन से रिलेटेड जितने भी फाइल होंगे, या फिर मॉड्यूल हम लोग कह सकते हैं, जितने भी मॉड्यूल होंगे सभी मॉड्यूल को हम लोग एडमिन फोल्डर के अंदर में रखेंगे। जैसे कि डैशबोर्ड का एक अलग फाइल बनाएंगे तो dashboard.py वह सेव होगा एडमिन फोल्डर के अंदर। इस तरीके से service.py होगा, उस तरीके से प्रोडक्ट होगा, लॉग आउट होगा, और ये फोल्डर एक पैकेज का काम करे इसके लिए हम लोग init का एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि खाली रहेगा। उसी तरीके से यूज़र से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे, जैसे कि profile.py है तो यूज़र से रिलेटेड है तो यूज़र के अंदर में रख देना है, request.py है, लॉग आउट है, देन इसके लिए भी हम लोग init एक फाइल सेव कर देंगे ताकि यूज़र फोल्डर हमारा एज अ पैकेज माना जाए। सिमिलरली टैग के लिए प्रोफाइल बनाना है तो इसको हम लोग टैग फोल्डर के अंदर में लिखेंगे इस फाइल को, profile.py को, देन work.py, देन logout, और इसको भी पैकेज माना जाए इसके लिए ये वाला फाइल बनाएंगे। तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि हम खो ना जाएं बड़े प्रोजेक्ट में। यानी कि अभी हमें पता रहेगा कि अगर हमें एडमिन के डैशबोर्ड में जाना है तो मुझे कहाँ पर कौन से फोल्डर में कौन सा फाइल देखना है, वरना इन सभी फाइल को अगर हम लोग एक फोल्डर के अंदर में रखें, मान लीजिए कि SMS के अंदर में ही रखें, तो हमें मैनेज करना फाइल्स को ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा उठानी पड़ेगी। और इसको हम लोग फोल्डर बाई फोल्डर कर दें, जैसे कि यूज़र का अगर हम लोग प्रोफाइल देखें, एक तो यूज़र का भी प्रोफाइल है और टैग का भी प्रोफाइल है, तो दोनों एक तो सेम मिल रहा है तो ये गड़बड़ होगी, प्लस आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोफाइल किसका है। लेकिन आप इसको अगर सेपरेटली एक फोल्डर में बनाकर डाल देते हैं तो आपको पता होगा कि टैग का ये वाला प्रोफाइल है और यूज़र का ये वाला प्रोफाइल फाइल है। ओके, सो मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो एक और कॉम्प्लिकेटेड सा देखिए, जैसे कि हमारा एक ये प्रोजेक्ट फोल्डर है SMS नाम का, इसके अंदर हमारे ये फोल्डर्स और ये फाइल्स हम लोगों ने देखा हुआ है। साथ में हमारा जो एडमिन फोल्डर है, बाकी सारी चीज़ सेम है अभी तक, हमने सिर्फ एक चेंज यहाँ पर ये किया है कि एडमिन फोल्डर के अंदर में तो फाइल्स थी पहले से, हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था। यहाँ पर हमने क्या किया कि एडमिन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर हमने बना दिया है कॉमन नाम का, और इस कॉमन फोल्डर के अंदर में इतने सारे फाइल्स रखे हुए हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एक फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर। तो आपको मैनेज करना यही सीखना है कि इतने सारे जब आप सब पैकेजेस बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर मे बी इसके अंदर कुछ फोल्डर हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फोल्डर हो सकते हैं, तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप फाइल्स को और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करेंगे, वही हमें पैकेज में सीखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो हम लोग पहले थ्योरी पूरा देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे एक ही बार प्रैक्टिकल में। मॉड्यूल्स क्रिएट करना हम लोग जानते हैं कि फाइल जो पाइथन फाइल होता है वही हमारा मॉड्यूल होता है। पैकेज क्रिएट करना भी हम लोग सीख गए हैं कि फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर आपको बस init का एक फाइल सेव कर देना है empty, तो हमारा वो पैकेज बन जाएगा। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। सो हाउ टू यूज़ पैकेजेस, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ टू एक्सेस पैकेज, या फिर आप कह सकते हैं कि पैकेज के अंदर जो फाइल्स होते हैं उनको कैसे आप एक्सेस करते हैं अलग अलग जगहों से।
सो शुरू से शुरू करेंगे और हम लोग पहले देखेंगे सिंटैक्स ये वाला, जिसमें हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट, हमारा कीवर्ड है इम्पोर्ट लिखना है, देन पैकेज का नाम लिखना है और पैकेज के अंदर जिस भी मॉड्यूल का आपको इम्पोर्ट करना है उस मॉड्यूल का आप नाम लिखते हैं। ये पॉसिबल है कि पैकेज के अंदर में सब पैकेज हो, यानी कि फोल्डर के अंदर में फोल्डर हो, तो आप उसके लिए ये सिंटैक्स है, इम्पोर्ट लिखना है, इम्पोर्ट लिखने के बाद पैकेज का नाम लिखिए, डॉट लिखिए और सब पैकेज का नाम लिखिए। अगर इसके अंदर भी कोई फोल्डर है, यानी कि फोल्डर के अंदर में फोल्डर है और इसके अंदर में भी कोई फोल्डर है, तो फिर से आपको सब पैकेज का नाम लिखने के बाद डॉट लिखना है और इस फोल्डर का नाम लिखना है। देन आप इसके अंदर के मॉड्यूल्स नेम को लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर जो भी आपको नाम लिखना हो उसको लिख सकते हैं। सो बेसिकली अगर एक फोल्डर है और उसके अंदर मॉड्यूल है तो आपको ये सिंटैक्स यूज़ करना है, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो आपको ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना है। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है, तो बस आपको ये बढ़ाते हुए जाना है, डॉट लिखते हुए जाना है। ओके सो यहाँ तक का देख लिया, अब एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मुझे एडमिन के अंदर सर्विस नाम का एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब एक पाइथन का फाइल होगा सर्विस डॉट पी वाई के नाम से, वह मुझे इम्पोर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इम्पोर्ट एडमिन के अंदर जो सर्विस है उसको इम्पोर्ट करना है। तो मैंने लिखा इम्पोर्ट एडमिन, ये फोल्डर का नाम, ये पैकेज का नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। जनरली ऐसा नेमिंग कन्वेंशन है कि आप फोल्डर का नाम यानी कि पैकेज के नाम का जो पहला लेटर हो उसको कैपिटल में लिखिए, देखिए एडमिन का ए मैंने कैपिटल में लिखा हुआ, देन मॉड्यूल का नाम जो होता है उसको हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है सभी को, तो इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि यह हमारा पैकेज है और ये हमारा मॉड्यूल है। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हर फोल्डर के साथ पीकेजी लगाइए, पीकेजी, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पैकेज है। तो ये भी कुछ लोग करते हैं, जैसी मर्जी वैसी आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। ये तो हमने देखा कि मान लीजिए कि हमारा एडमिन के अंदर में ये वाला मॉड्यूल था, एडमिन फोल्डर के अंदर में ये वाला फाइल था हमारा सर्विस डॉट पी वाई, तो उसको हमने एक्सेस किया। भी एडमिन फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर में मान लीजिए कोई फाइल है फुटर नाम का, तो इसको कैसे एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली लिखना है इम्पोर्ट एडमिन, पहले एडमिन के अंदर जाना है, फिर एडमिन के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर जाना है, देन उसका मॉड्यूल नेम लिखना है। ऐसा पॉसिबल है कि एडमिन के अंदर एक फोल्डर है कॉमन, कॉमन के अंदर एक फोल्डर हो सकता है कुछ भी, तो डॉट डॉट लगाते जाना है और लास्ट में आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, जिस भी मॉड्यूल को एक्सेस करना हो उसके अंदर उस मॉड्यूल का नाम लिख देना। ओके सो उम्मीद है कि आपको इतना तो कर ही पाएंगे आप लोग, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोगों ने इम्पोर्ट तो कर लिया, अभी इस मॉड्यूल को एक्सेस कैसे करेंगे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्ट करने से तो काम नहीं होने वाला ना, उसको एक्सेस करना मतलब यूज़ करना, वो जो मॉड्यूल इम्पोर्ट हुआ चाहे वह सर्विस मॉड्यूल हो इस इम्पोर्ट की वजह से या फिर इस मॉड्यूल की वजह से फुटर हमारा मॉड्यूल हो, इसको एक्सेस कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो उसको एक्सेस करने के लिए हाउ टू एक्सेस वेरिएबल फंक्शन मेथड क्लास, और लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, और डिक्ट भी हो सकता है, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन का दिखाऊंगा, बाकी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको मॉड्यूल में ही बताया है। मॉड्यूल में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, क्लासेस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ बताइए। सो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा मॉड्यूल का देखा होगा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फंक्शन को लेकर चलेंगे। सो सिंटैक्स से एक्सेस करने का कि पैकेज का नाम लिखना है, इस ये वाला जो हमारा इम्पोर्ट है मतलब फोल्डर के अंदर में हमारा मॉड्यूल है, इस केस में आपको पैकेज का नाम लिखना है, मॉड्यूल का नाम लिखना है, और मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन एक्सेस करना है उसका नाम लिखना है। अगर वेरिएबल नेम होगा तो वेरिएबल नेम लिख दीजिए, अगर क्लास नेम है तो क्लास नेम लिख सकते हैं। मैंने रूल्स बताया हुआ है मॉड्यूल में कि क्लास कैसे एक्सेस करना है सेपरेटली, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत होती है तो। देन नीचे वाले के लिए यानी कि अगर आप इस तरीके से इम्पोर्ट कर दें तो उसके लिए ये सिंटैक्स है कि आपको पहले पैकेज का नाम लिखना है, डॉट देकर सब पैकेज का नाम लिखना है, फिर डॉट देकर मॉड्यूल का नाम लिखना है, फिर उसके फंक्शन का नाम लिखना है, या फिर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल का भी आप नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा एडमिन मेरे पैकेज का नाम, देन सर्विस मेरे मॉड्यूल का नाम, देन इस सर्विस मॉड्यूल के अंदर में हमारा ये फंक्शन है एडमिन सर्विस फंक्शन, तो इसको मैंने यूज़ किया। सिमिलरली अगर कॉमन के अंदर कोई है, जैसे कि एडमिन हमारा पैकेज है, कॉमन हमारा इसके अंदर एक फोल्डर है यानी कि सब पैकेज है, और इस सब पैकेज के अंदर ये हमारा मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर में ये हमारा फंक्शन का नाम है। ओके सो इस तरीके से आपको एक्सेस करना है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग पहले पूरा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में दिखाऊंगा करके। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हम लोग देखते हैं तरीका हाउ टू यूज़ पैकेज में। फ्रॉम लिख कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्रॉम लिखना है, देन पैकेज का नाम लिखना है, देन इम्पोर्ट लिखना है और मॉड्यूल का नाम लिखना है। एक और सिंटेक्स है इसका, मान लीजिए कि सब पैकेज भी हो तो उस केस में आपको फ्रॉम लिखना है, पैकेज डॉट सब पैकेज का नाम इम्पोर्ट, और जो भी मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है वो आप मॉड्यूल नेम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फ्रॉम और मेरा यहाँ पर पैकेज है एडमिन, मतलब एडमिन हमारा एक फोल्डर होगा और इसके अंदर एक फाइल होगा यानी कि मॉड्यूल होगा सर्विस नाम का। तो मैंने फ्रॉम लिखा एडमिन यानी कि पैकेज का नाम, इम्पोर्ट किया किसको, सर्विस मॉड्यूल को। ओके सो ये हमारे इम्पोर्ट हो गया। अभी एक और एग्जांपल देखिए, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम एडमिन यानी कि एडमिन हमारा एक फोल्डर है। अब इसके अंदर में एक फोल्डर है और इसके अंदर जो ये जो फोल्डर है कॉमन नाम का ये फोल्डर है, इसके अंदर में एक फुटर नाम का फाइल है मॉड्यूल, तो उसको हमने एक्सेस किया हुआ है फ्रॉम एडमिन, एडमिन के अंदर का फोल्डर कॉमन, कॉमन के बाद इम्पोर्ट लिखा और ये हमारा फुटर मॉड्यूल है, यानी कि ये एडमिन हो गया, ये कॉमन हो गया और कॉमन के अंदर में ये वाला हमारा फुटर मॉड्यूल है, तो उसको हमने एक्सेस किया हुआ है। एक्सेस तो कर लिया, मतलब मॉड्यूल्स को हमने इम्पोर्ट तो कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद इसको इस मॉड्यूल के अंदर जो कोड होंगे, चाहे क्लास हो, वेरिएबल हो, फंक्शन हो, मेथड हो, लिस्ट हो, टपल हो, उसको कैसे एक्सेस करना है ताकि हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ अपने प्रोग्राम में, उसके लिए सिंटैक्स है। आपको मॉड्यूल नेम लिखना है, मॉड्यूल नेम देन फंक्शन नेम। यहाँ हम लोग पैकेज का नाम नहीं लिखते हैं, पैकेज का नेम आपको यहाँ पर जब आप फ्रॉम का यूज़ करके करते हैं आपको यहाँ पर आपको पैकेज नेम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे एडमिन के अंदर जो हमारा सर्विस नेम का मॉड्यूल है उसके अंदर से कोई फंक्शन यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा सर्विस डॉट एडमिन सर्विस, ये हमारा फंक्शन का नाम। सो सिंपली क्या करना है, जो भी मॉड्यूल का नाम है, मान लीजिए सर्विस है तो सर्विस लिखा मैंने, और इसके अंदर जो भी फंक्शन का नाम होगा वो फंक्शन का नाम लिख देना है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप इस तरीके से भी अगर लिखते हैं तो इस तरीके से भी लिखने के बाद भी आपको सिर्फ यही सिंटैक्स फॉलो करना है, यहाँ आपको सब पैकेज का नाम भी नहीं लिखना है। ओके सो यहाँ से यहाँ तक का ये एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ आपको यूज़ करना है मॉड्यूल का नाम और मॉड्यूल का नाम के साथ आपको उसके अंदर जो भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मेरे मॉड्यूल का नाम है फुटर, देन एडमिन कॉमन फुटर, ये हमारे फंक्शन का नाम है। हमने इस वाले से इम्पोर्ट किया और इससे हमने सर्विस मॉड्यूल के अंदर जो एक फंक्शन था जो कि एडमिन सर्विस नाम से है उसको हमने एक्सेस किया। हमने इस वाले से इम्पोर्ट किया जिसमें कि सब पैकेज भी है बट सेम सिंटेक्स होगा एक्सेस करने के लिए, तो हमने उसको एक्सेस कर लिया। फुटर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है एडमिन कॉमन फुटर, तो इसको इस तरीके से एक्सेस कर लेना। सर लिखने का तरीका यहाँ अलग अलग है बट एक्सेस करने का तरीका इस केस में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट तरीका देखिए, हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल हो सकता है या फिर फंक्शन हो सकता है या फिर क्लास हो सकता है उसको कैसे डायरेक्ट इम्पोर्ट करेंगे वह देख रहे हैं। सो फ्रॉम लिखना है, पैकेज का नाम लिखना है, मॉड्यूल डॉट देखकर मॉड्यूल का नाम लिखना है, इम्पोर्ट करना है यानी कि इस मॉड्यूल के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग इम्पोर्ट करें। अभी हम लोग मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सब पैकेजेस के साथ है तो सब पैकेजेस के साथ भी आपको लिखना है फ्रॉम पैकेज का नाम, सब पैकेज का नाम, डॉट देकर मॉड्यूल का नाम, और इस मॉड्यूल में जो भी फंक्शन होगा, वेरिएबल होगा या फिर क्लास होगा उसको आप इस तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फंक्शन ही हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। ठीक, एग्जांपल देखिए, जैसे कि फ्रॉम एडमिन डॉट सर्विस, तो यहाँ एडमिन हमारा पैकेज है और सर्विस हमारा मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है एडमिन अंडरस्कोर सर्विस, तो मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल देखिए, फ्रॉम एडमिन, एडमिन पैकेज है, इस पैकेज के अंदर में एक और पैकेज है जिसे हम लोग सब पैकेज कह सकते हैं कॉमन नाम का, देन ये हमारा फुटर एक मॉड्यूल है, देन हमने इम्पोर्ट कर लिया, इस फुटर के अंदर में एक हमारा फंक्शन है जो कि ये वाला है, इसको हमने इम्पोर्ट कर लिया। ओके, ये फ्रॉम लिखना है, ये हमारा पैकेज, पैकेज के अंदर में सब पैकेज, सब पैकेज के अंदर में ये वाला मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अंदर में था हमारा ये फंक्शन, तो इसको हमने डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लिया इस फंक्शन को। और इस फंक्शन को इम्पोर्ट तो कर लिया, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ करने के लिए हाउ टू एक्सेस वेरिएबल फंक्शन मेथड क्लासेस लिस्ट टपल एक्सेट्रा, सभी के लिए सेम तरीका।
चाहे आप सब पैकेज यूज़ कर रहे हो या फिर सब पैकेज ना हो, सिर्फ पैकेज हो, दोनों ही सिंटैक्स के लिए सेम तरीका है, सेम सिंटैक्स से यूज़ करने का। डायरेक्टली आपको फंक्शन का नाम लिखकर उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो जो आपने इंपोर्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट किया था एडमिन सर्विस ये वाला, तो डायरेक्टली आप एडमिन सर्विस लिखे, यहाँ आपको मॉड्यूल नेम लिखने की और डॉट देकर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आपको पैकेज नेम मेंशन करने की आवश्यकता। डायरेक्टली आपने जिसको इंपोर्ट किया है उसको लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो डायरेक्टली आपको फंक्शन का नाम लिखना है और आपका ये कॉल हो जाएगा। देन इस वाले से भी अगर आपने मतलब सब पैकेज के अंदर भी आपने इस तरीके से इंपोर्ट किया हुआ है तो इसको भी आप डायरेक्टली लिखकर कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। अगर वेरिएबल होता तो वेरिएबल को डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर क्लास होता तो क्लास को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। आपको किसी भी चीज़ से प्रीफिक्स यानी कि ना तो मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत है और ना ही पैकेज या सब पैकेज को लिखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो। अगर इस मॉड्यूल के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो आप कॉमा देकर उनको एक्सेस कर सकते हैं, ये हम लोगों ने मॉड्यूल वाले में भी देखा हुआ है, तो वह रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। ओके, सो कॉमा देकर आप इसको इस तरीके से लिखते जाइए, कॉमा देते जाइए, लिखते जाइए, जितने भी आपको वेरिएबल या फिर क्लासेस या फिर फंक्शन यूज़ करने सभी को कॉमा देकर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको मैंने यहाँ एग्जांपल में नहीं रखा है बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि आपने मेरा मॉड्यूल समझा होगा तो आपको ये इंपोर्ट वाला बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस आपको देखना ये है कि पैकेजेस कैसे लिखा जाता है, बाकी इधर वाला सेम टू सेम है पहले जैसा। यानी कि इसमें भी आप एलियस दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, एज कीवर्ड का यूज़ करके, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और लास्ट हमारा जो है, जिसमें सिंटैक्स आप लिखते हैं फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट ऑल, यानी कि इस पैकेज के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं। देन इस तरीके से आप लिखते हैं फ्रॉम पैकेज नेम डॉट सब पैकेज नेम इंपोर्ट ऑल, यानी कि इस सब पैकेज के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं ये हम लोग इससे इंडिकेट कर रहे हैं। ऑल मतलब एस्ट्रिस्क मतलब होता है ऑल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा फ्रॉम एडमिन इम्पोर्ट ऑल, यानी कि एडमिन के अंदर जितने भी मॉड्यूल होंगे, जैसे सर्विस मॉड्यूल है आपका, लॉग आउट है और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे ये इंडिकेट कर रहा है एस्ट्रिस्क। देन एक और देखिए एडमिन डॉट कॉमन इम्पोर्ट एस्ट्रिस्क, मतलब ऑल कॉमन के अंदर जितने भी फाइल्स हैं जितने भी मॉड्यूल्स हैं सब ये इंडिकेट कर रहा है। हाउ टू एक्सेस, कुछ मॉड्यूल नेम लिखा, फंक्शन नेम लिखा इस तरीके से, इसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कर सकते पैकेजेस के लिए। ओके, सो पाइथन में कहा गया है कि पैकेज एक पूरा पैकेज के अंदर, मतलब एक पैकेज के अंदर जो आप इस तरीके से मॉड्यूल्स सभी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना लिखते हैं ये काम नहीं आएगा। सो ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने लिख दिया प्रॉपर था कि, क्योंकि ये मॉड्यूल के लिए तो काम करता है बट पैकेज के लिए काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? बिकॉज ऑफ मेमोरी इफिशेंसी। एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि आप सभी मॉड्यूल्स का यूज़ नहीं करेंगे। सो कोड आपका क्या होगा? लेंदी होगा। लेंदी मीन्स लोडिंग टाइम आपका इंक्रीज होगा बेवजह, इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क नहीं करता है। मॉड्यूल के लिए ये काम करेगा, मतलब फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट इस तरीके से आप लिखते हैं तो वह काम करता है, बट पैकेज के लिए ये काम नहीं करता है। तो एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि मान लीजिए कि मुझे एक पैकेज के अंदर 10 मॉड्यूल्स हैं और मुझे 8 मॉड्यूल्स को अगर इंपोर्ट करना है तो उसके से मुझे यहाँ कॉमा देकर सभी को लिखना पड़ेगा, जो कि सेम फाइल के लिए अच्छा ना हो या फिर बेहतर ना हो। कोड बगी, मतलब मैसी दिखेगा, बगी नहीं मैसी दिखेगा। तो इसका एक उपाय हमें बताया गया है। उपाय ये है कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक फाइल था जो हम लोग बनाते हैं _INIT_.py, ये फाइल हम लोग बनाते हैं। सो उस फाइल के अंदर आपको ये वाला एक लिखना है लिस्ट, ये एक्चुअली में एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इफ अ पैकेजेस INITPY कोड डिफाइंस अ लिस्ट नेम्ड, ये वाला आपको नाम यही लिखना पड़ेगा _ all_ इट इज़ टेकन टू बी द लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स नेम दैट शुड बी इम्पोर्टेड वेन फ्रॉम पैकेज इम्पोर्ट ऑल इज इनकाउंटर्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यानी कि आप डायरेक्टली अगर इस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे कि फ्रॉम पैकेज का नाम इम्पोर्ट ऑल, तो ये आपको एरर देगा, नहीं चलेगा। लेकिन ये आपका काम आएगा कब? जब आप अपने INIT.py फाइल के अंदर में इस तरीके से एक लिस्ट डिफाइन कर देंगे, यानी कि आपको जिसमें भी चाहिए, जिस भी पैकेज में चाहिए
वहाँ पर क्या कीजिए कि उसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको यहाँ पर इस फाइल के अंदर में ये वाला लिखिए एक लिस्ट के तौर पर, और सभी मॉड्यूल्स को क्वोट्स के अंदर कॉमा देते हुए सेपरेट कर दीजिए। देन जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका सही तरीके से काम करेगा, और ये सभी को एक्सेस यानी कि ऑल मतलब क्या सभी, लेकिन यहाँ सभी को ना करके यहाँ पर जो आप डिफाइन करते हैं केवल यही इम्पोर्ट किया जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए ईजी बना दिया गया है कि पहले आपको किन किन चीज़ों को इम्पोर्ट करना है वह आप यहाँ एक लिस्ट के तौर पर लिखिए, देन आप इसको लिखिए, और ये जो एस्टरिस्क है ये ऑल को रिप्रेजेंट ना करके ये रिप्रेजेंट करेगा इस लिस्ट को। ओके सो ये लिस्ट में जितने भी मॉड्यूल्स होंगे सारे के सारे आपके इम्पोर्ट हो जाएंगे सिर्फ एक इस लाइन से। तो ये सारी चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, और जितने भी थ्योरी अभी हम लोगों ने देखा सभी को समझेंगे। सो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिकॉज हम लोग ये वाला क्रिएट करने वाले। इतने सारे फाइल्स हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग कम फाइल बनाएंगे, लेकिन फोल्डर हमारा इतना रहेगा, कम फाइल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने फाइल बनाकर हमें फ़ायदा नहीं। अगर हमें समझ में आ जाता है कि वर्क में कैसे काम करना है तो हमें समझ में आ जाएगा कि टैग के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उसमें कैसे काम करना है। अगर हमें समझ में आ जाता है कि यूज़र के अंदर इस रिक्वेस्ट फाइल में कैसे काम करना है, हमें समझ में आ जाएगी यूज़र के अंदर जितने भी फाइल होंगे उसमें कैसे काम करना है। अगर हमें समझ में आ जाता है कि कॉमन के अंदर आप हेडर फुटर में कैसे काम कर सकते हैं या फिर एक फाइल में फुटर में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कॉमन के अंदर जो फाइल्स होंगे उसमें कैसे काम करना है। और ये स्ट्रक्चर आप जब समझ जाते हैं तो आप इसको और अगर नीचे डाउन करते हैं किसी फोल्डर में तो वह भी आप आसानी से कर पाएंगे। सो देखते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ध्यान रहे कि हमारा फोल्डर और फाइल यही गेम है इसमें। फोल्डर को हम लोग पैकेज कहते हैं या फिर पैकेज को हम लोग फोल्डर कहते हैं, और हम लोग फाइल को मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल को फाइल कहते हैं। पहले एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे, ये फोल्डर भी हमारा पैकेज कहलाएगा। तो फोल्डर मैंने क्रिएट किया, न्यू फोल्डर, इसका नाम मैं रख रहा हूँ SMS, ओके, और इसमें इंटर प्रेस किया तो हमें ये ओपन हुआ हमारे इसके अंदर। अभी इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। एक्चुअली इसके अंदर SMS फोल्डर के अंदर हमारे कितने फोल्डर्स थे, हमारे तीन फोल्डर थे। तो मैं पहला फोल्डर बना रहा हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू में गया और फोल्डर, इसमें हम लोग पहला फोल्डर हमारा नाम है एडमिन, तो मैंने लिख दिया एडमिन। अभी दूसरा फोल्डर बनाते हैं, दूसरे फोल्डर का नाम था हमारा टेक, टेक बनाया, यूज़र था आई गेस, तो फिर भी एक यूज़र बना लेते हैं, इधर उधर हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं। आप यूज़र बेसिकली ये तीन फोल्डर थे SMS के अंदर में, SMS हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जिसके अंदर ये तीन फोल्डर हैं एडमिन, यूज़र और टेक। अभी एडमिन फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर था जो कि था कॉमन नाम का, तो हमें उसको भी बनाना है। राइट क्लिक किया, फोल्डर में गया, कॉमन, फोल्डर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, किसी भी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। सो फोल्डर्स तो हमने क्रिएट कर लिया, अभी इन फोल्डर्स को पैकेज माना जाए। वैसे तो पैकेज अभी से माना जाता है, अभी हमें इसमें एक फ़ाइल होता है जो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं ये वाला फाइल बना देता हूँ सभी में। तो हम लोग सिंपल प्लेन नोटपैड ओपन करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये खाली रहेगा, इसको मैं सेव एज करता हूँ। और यहाँ से डेस्कटॉप में मेरा ये फोल्डर है SMS, तो यहाँ पर हमें इसको सेव करना है _INIT फिर _ और .py। देखिएगा अभी यहाँ पर आपको एक फाइल देगा यूज़र के जस्ट नीचे को देखने को मिलेगा, मैंने इसको सेव किया, हमारा ये फाइल आ गया। तो यही फाइल हमें क्या करना है, सभी में कॉपी पेस्ट कर देना, बिकॉज सेम फाइल नेम होना चाहिए और वह खाली होना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। सो इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे कॉमन फोल्डर के अंदर, देन हमें एडमिन फोल्डर के अंदर भी इसको पेस्ट कर देना है। एडमिन फोल्डर के बाहर आता हूँ, टेक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया और हम लोग इसको यूज़र फोल्डर के अंदर भी पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जितना भी फोल्डर है सभी हमारे पैकेजेस बन गया पाइथन के लिए। अभी हम लोग बाकी के मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल्स मतलब बाकी के हम लोग पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे जो हमें काम आने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में। तो पहले मैं फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। पहले मेन फाइल जो हमारा SMS फोल्डर के अंदर में रहेगा वह होगा सेव एज करता हूँ मैं, और ये हमारा देखिए SMS फोल्डर के अंदर में है जिसमें ये तीन फोल्डर्स भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेव करेंगे gikisource.py, सेव कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको एक नया फाइल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये किया कि SMS फोल्डर के अंदर में जिसमें कि एडमिन टैग यूज़र और ये वाला एक फाइल था हमारा, अभी हमने इसमें एक अपना फाइल बना लिया gikisource.py, ये भी अभी खाली है, इसमें किसी भी फाइल में कुछ भी लिखा नहीं जा रहा।
देन हम लोग एडमिन फोल्डर के अंदर आते हैं, इसके अंदर जो कॉमन है इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर कुछ फाइल्स मैं बनाने वाला हूँ। सो वापस से हमें नोटपैड ओपन करना है और इसको सेव एज करता हूँ मैं, और हमें एडमिन फोल्डर के अंदर, देखिए एसएमएस फोल्डर के अंदर में एडमिन फोल्डर और एडमिन फोल्डर के अंदर हमारा कॉमन फोल्डर, तो यहाँ पर हमें दो फाइल्स बनाने हैं अपने काम की फाइल्स। मैं पहला बना रहा हूँ footer.py, मैंने इसको कर दिया सेव, आपको ऊपर में यहाँ पर बनकर दिखाई भी देगा यहाँ पर अपडेट होकर। एक और फाइल तो इसकी मैं फिर से सेव एज करता हूँ और इसको हम लोग बनाएंगे header.py, और मैंने कर दिया इसको भी सेव, तो हमें एक और फाइल यहाँ बनकर मिल जाता है। ओके सो इतने सारे फाइल हमारे कॉमन फोल्डर के अंदर हैं, देख लीजिए कॉमन फोल्डर के अंदर में ये फाइल्स हैं। अभी हमें एडमिन फोल्डर के अंदर यानी कि एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाने हैं। फाइल्स मतलब क्या, मॉड्यूल बनाने हैं। सो मॉड्यूल्स मतलब फाइल, फाइल मतलब मॉड्यूल। सो सेव एज करता हूँ मैं, देन एसएमएस फोल्डर के अंदर एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पर बनाने। सो यहाँ पर मुझे दो मॉड्यूल बनाना है, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से फाइल का नाम रखा जाता है मॉड्यूल का, तो मुझे ये सारी चीज़ें फाइल चाहिए, ये नाम चाहिए, तो मैंने रखा हुआ। आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से नाम रखना पड़ता है। सो product.py इसको मैंने कर दिया सेव, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारा प्रोडक्ट फाइल आ गया। एक और फाइल बनाता हूँ मैं, सेव एज करना है, यहाँ पर मुझे सर्विस का एक मॉड्यूल चाहिए, तो service.py ये बन गया हमारा एक और। ओके इसको कट करता हूँ, बाहर आता हूँ, देन टैग फोल्डर के अंदर में यहाँ पर हम लोग दो फाइल बनाएंगे। प्लेन नोटपैड ओपन करना है, सेव एज करना है, उसके बाद एसएमएस फोल्डर के अंदर जो हमारा टैग फोल्डर है यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें फाइल बनाना है। पहले फाइल का नाम रखूँगा profile.py, तो देखिए प्रोफाइल आपको एक क्रिएट होकर दिखाई देगा। दूसरे का फाइल में जाना है, सेव एज करना है, और दूसरे का नाम हम लोग रखेंगे work.py। अभी बाहर आइए इस फोल्डर से, और हमारे यूज़र फोल्डर के अंदर हमारे कुछ फाइल्स होने चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग कुछ फाइल बनाएंगे, तो हम लोग पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं, सेव एज में जाना है, उसके बाद एसएमएस के अंदर यूज़र में, यूज़र के अंदर हमें बनाना है एक प्रोफाइल नाम का फाइल, profile.py, तो एक प्रोफाइल का आ गया। फिर हमें सेव एज फिर से करना है, और यहाँ पर हमें बनाना है एक रिक्वेस्ट का .py, तो ये भी हमारे रिक्वेस्ट का फाइल बन गया। अभी हमारे सभी फोल्डर के अंदर फाइल्स आ गए हैं। एक बार मैं पूरा फिर से बता देता हूँ आपको कि किस फोल्डर के अंदर में क्या है। इसको कट करता हूँ, शुरू से देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, एसएमएस ये भी हमारा एक पैकेज है। सो इसके अंदर ये एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, ये एक फाइल है और ये एक फाइल है। सो एसएमएस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, एक फाइल है INIT और दूसरा फाइल है हमारा गीकी सोस। आप नाम किसी फोल्डर का कुछ भी रख सकते हैं, किसी फाइल का कुछ भी रख सकते हैं, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। देन इसका पहला फोल्डर जो कि एडमिन है, इस एडमिन फोल्डर के अंदर आप जाते हैं तो आपको तीन फाइल मिलते हैं। पहले फाइल का नाम है INIT, दूसरे का नाम है प्रोडक्ट और तीसरे का नाम है सर्विस। और इस एडमिन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको तीन फाइल मिलेंगे। पहले फाइल का नाम है INIT, दूसरे फाइल का नाम है फुटर और तीसरे फाइल का नाम है हेडर। हम इससे बाहर निकलते हैं और टैग फोल्डर यानी कि एसएमएस फोल्डर के अंदर में दूसरा फोल्डर हमारा टैग फोल्डर है, तो इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर भी आपको तीन फाइल्स देखने को मिलेंगी, पहले फाइल का नाम है INIT, दूसरे का प्रोफाइल और तीसरे का वर्क। देन एसएमएस फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर है यूज़र, तो यूज़र के अंदर चलकर देखते हैं, यहाँ भी हमें तीन फाइल देखने को मिलते हैं, पहला है INIT, दूसरा है प्रोफाइल और तीसरा है रिक्वेस्ट। सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, बिल्कुल वही, इसको मैंने छोटा कर दिया। और इस पर हम लोग दोबारा से डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारा यही पूरा फॉर्मेट रहेगा, जब चेंज होगा मैं आपको बता दिया करूँगा। ओके सो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप अलग अलग फाइल्स को, अलग अलग मॉड्यूल्स को, अलग अलग पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे की जगह से। ओके सो जितने भी फाइल्स थे हमारे, जितने भी ये सारे फाइल्स आप देख रहे हैं फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स थे सभी को मैंने यहाँ पर नोटपैड में ओपन कर लिया। ओके यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा फाइल किस फोल्डर के अंदर का है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपके ईजी के लिए आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कि कौन सा किस पैकेज के अंदर है, कौन सा क्या मॉड्यूल है, तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा क्विकली। मैंने सभी के अंदर लिख दिया हुआ कमेंट में कि कौन सा क्या फाइल है, तो आपको यहाँ यहीं से देख कर पता चल जाएगा।
ये हमारा गीकी सोर्स का मॉड्यूल है मेन एसएमएस फोल्डर के अंदर में, और ये हमारा मेन फोल्डर यानी कि एसएमएस फोल्डर के अंदर में इनिट मॉड्यूल है। देन ये हमारा एडमिन पैकेज के अंदर में सर्विस मॉड्यूल है, और ये हमारा एडमिन पैकेज के अंदर प्रोडक्ट मॉड्यूल है। ये हमारा एडमिन पैकेज के अंदर NIT है, और ये हमारा एडमिन पैकेज के अंदर कॉमन पैकेज के अंदर हेडर मॉड्यूल है। आप यहाँ हेडर नेम भी देख सकते हैं, बट वीडियो में छोटा दिखेगा, प्लस आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, बट आपको बहुत छोटा दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कमेंट के तौर पर लिख दिया हुआ है। देन ये हमारा फुटर है एडमिन पैकेज के अंदर, कॉमन पैकेज के अंदर फुटर मॉड्यूल, देन ये एडमिन पैकेज के अंदर, कॉमन पैकेज के अंदर या INIT। देन ये हमारा टैग पैकेज के अंदर वर्क मॉड्यूल है, ये हमारा टैग पैकेज के अंदर प्रोफाइल मॉड्यूल है, और ये हमारा टैग पैकेज के अंदर INIT है। ये हमारा यूज़र पैकेज के अंदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, ये हमारा यूज़र पैकेज के अंदर प्रोफाइल मॉड्यूल है, और ये हमारे यूज़र पैकेज के अंदर INIT। कुल मिलाकर 14 इसमें फाइल्स हैं, तो आप काउंट कर लीजिएगा। इसमें कुछ कहीं कहीं मुझे कुछ फंक्शंस बनाने हैं, सिंपल से फंक्शन, तो उसमें मैं आपका समय नहीं लूँगा, मैं उसको बनाकर फिर वापस आता हूँ। ओके, सभी के अंदर नहीं, क्योंकि कुछ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ पर मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गीकी सोर्स मॉड्यूल हमारा खाली है, INIT इसका खाली है। एडमिन पैकेज के अंदर जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है, वहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है admin_service, और ये हमें प्रिंट करके सिर्फ ये देगा कि ये कहाँ का मॉड्यूल है और ये कौन सा फंक्शन है। देन ये हमें एक न्यू लाइन देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है किसी फंक्शन में। देन ये प्रोडक्ट है एडमिन पैकेज के अंदर, जो प्रोडक्ट मॉड्यूल है उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें admin_product फंक्शन का नाम है, और ये भी हमें प्रिंट करके देगा कि ये एडमिन पैकेज के अंदर प्रोडक्ट मॉड्यूल है, जब भी ये फंक्शन रन करेगा, और ये अपने फंक्शन का नाम भी हमें दिखाएगा। देन उसी तरीके से इसका एडमिन पैकेज के अंदर INIT खाली है, ये हमारा एडमिन पैकेज के अंदर कॉमन पैकेज के अंदर हेडर मॉड्यूल है, यानी कि एडमिन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है कॉमन, और इस कॉमन फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल है हेडर, तो इसका मैंने नाम रखा हुआ है। इसके अंदर एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है एडमिन कॉमन हेडर, ये भी सिंपली हमें बताएगा कि एडमिन पैकेज के अंदर कॉमन पैकेज के अंदर हेडर मॉड्यूल है, और अपने फंक्शन का नाम बताएगा। सिमिलरली इसी तरीके से फुटर एडमिन पैकेज के अंदर, कॉमन पैकेज के अंदर जो फुटर मॉड्यूल है उसमें भी एक हमने बनाया है फंक्शन एडमिन कॉमन फुटर, और ये भी अपने लोकेशन की जानकारी देगा और हमें फंक्शन नेम के बारे में बताएगा। इसका भी यानी कि एडमिन पैकेज के अंदर, कॉमन पैकेज के अंदर जो INIT है ये भी खाली है। देन ये टैग पैकेज के अंदर वर्क मॉड्यूल है जिसका हमने फंक्शन नाम रखा हुआ है टैग वर्क, और ये भी अपना लोकेशन बताएगा और टैग वर्क फंक्शन का नाम बताएगा। देन टैग पैकेज के अंदर हमारा ये प्रोफाइल मॉड्यूल है जिसमें इसका फंक्शन नेम हमने रखा है टैग प्रोफाइल, और ये भी अपना लोकेशन प्रिंट करके और फंक्शन का नाम बताएगा। इसका INIT भी खाली है, यानी कि टैग पैकेज के अंदर जो INIT है, इसे शॉर्ट में init कहते हैं हम लोग, तो init हमारा खाली है। देन यूज़र पैकेज के अंदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल है जिसमें हमने यूज़र रिक्वेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है जो लोकेशन अपना बताएगा कि यूज़र पैकेज के अंदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, और इसके अंदर जो भी फंक्शन रन हो रहा है उस फंक्शन का नाम हमें दिखाई देगा। सिमिलरली यूज़र पैकेज के अंदर प्रोफाइल मॉड्यूल में ये वाला फंक्शन बनाया हुआ यूज़र प्रोफाइल, ये भी अपना लोकेशन यानी कौन से मॉड्यूल का है और फंक्शन का नाम क्या है वो हमें बताएगा। देन इसका भी init फाइल खाली है। तो सभी को मैं सेव कर लेता हूँ, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिंपल सा एक ही फंक्शन बनाया गया और कुछ भी नहीं। शुरू के लिए हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बट अभी हमें इनमें से किसी भी फाइल में कुछ भी ज़्यादा एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें सिंपली क्या करना है अपने मेन फाइल में काम करना है। सो हमें सारे जो हम लोगों ने सिंटैक्स देखे हैं स्लाइड में PPT में, उन सभी सिंटैक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको पहले बताऊँगा कि आप इस प्रोजेक्ट फोल्डर में यानी कि जो आपका SMS है इसके अंदर जो ये मेन फाइल है हमारा गीकी सोर्स, अगर नोटपैड में देखें तो ये वाला मॉड्यूल, ये वाला फाइल, इस फाइल से ये हमारा मेन फाइल है, यानी कि यहीं पर हम लोग सभी को इंपोर्ट करेंगे और यहीं पर यूज़ करेंगे, ऐसा हमारा काम है। तो इस फाइल से कैसे आप इसके अंदर के मॉड्यूल्स को या फिर इसके अंदर के मॉड्यूल्स को या फिर आप इसके अंदर के मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अंदर के मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग पहले सीखेंगे। देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिबलिंग हो यानी कि जब इस फोल्डर के अंदर एक फाइल और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल, मान लीजिए कि रिक्वेस्ट फाइल यानी कि यूज़र फोल्डर के अंदर जो रिक्वेस्ट फाइल है और
स्टैक फोल्डर के अंदर जो वर्क फाइल है, अगर वर्क फाइल यूज़र फोल्डर के अंदर की रिक्वेस्ट फाइल को यूज़ करना चाहता है, मॉडल को यूज़ करना चाहता है, तो कैसे करेगा, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। यानी कि सिबलिंग वाला जो काम होगा वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एक मेन फाइल है और ये कैसे सभी के फाइल्स को, मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो ये देखते हैं, देन आपको सिबलिंग वाला भी बता दूंगा, तो दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। देन इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है, या तो सिबलिंग मिलेगा या फिर किसी के अंदर मैप से आप एक्सेस कर रहे होते हैं। बाकी कुछ सिनेरियो हैं तो वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब सिमिलर ही रहता है वो। सो देखते हैं कि गीकी सोर्स का यूज़ करके आप इन सभी के अंदर के अंदर की चीज़ों को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सिनेरियो क्लियर होगा होपफुली, हम लोग कोडिंग में आएंगे। शुरू से शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि गीकी सोर्स, ये जो हमारा मेन फाइल है, इस फाइल में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिन फोल्डर के इन फाइल्स को, इन फाइल्स को मतलब सर्विस को और प्रोडक्ट को। हालांकि मैं एक दिखाऊं तो आप दोनों को कर सकते हैं, बट शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको मेन फाइल में यूज़ करना है एडमिन फोल्डर के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनका। तो पहला सिंटैक्स इसके लिए ये है कि आप लिखिए इम्पोर्ट लिखिए, इम्पोर्ट लिखने के बाद अपने पैकेज का नाम, तो पैकेज का नाम क्या है, एडमिन है। देन किस मॉड्यूल को एक्सेस करना है, किस पैकेज को एक्सेस करना है, पहले उस पैकेज का नाम लिख दिया मैंने एडमिन पैकेज। देन आपको दिखाता चलता हूँ प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए ये हमारा मेन फाइल है जिसमें हम लोग अभी काम करेंगे, कि सोच मुझे एक्सेस करना है इस पैकेज के अंदर, तो मैंने इस पैकेज का नाम लिख दिया। अब इस पैकेज के अंदर कौन से मॉड्यूल को एक्सेस करना है, सर्विस को या फिर प्रोडक्ट को, तो मुझे सर्विस को करना है, तो मैं यहाँ सर्विस लिखूँगा। अब सर्विस के अंदर जो अपने कोड लिखा है, सर्विस के अंदर हम लोग देखें, ये हमारा सर्विस एडमिन पैकेज के अंदर जो सर्विस मॉड्यूल है ये है, इसके अंदर सिंपली एक फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, मैंने सिंटैक्स आपको बताया, आपको पैकेज का नाम लिखना है, डॉट लिखना है, उसके बाद आप मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, देन आप जो भी फंक्शन है एडमिन सर्विस ये वाला कॉल कर सकते हैं, तो ये एक्सेस करना होगा। इसको सेव करें, सेव करने के बाद आपको रन करना है ये वाला फाइल, तो इसमें जाकर हमें पावरशेल ओपन करने का कर सकता है। सो यहाँ पर आइए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, देन पावरशेल का ऑप्शन मिलेगा, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से इतना छोटा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है पाइथन और फाइल का नाम जिसको रन करना है, गीकी सोर्स डॉट पी वाई, और रन कीजिए। देखिए आपको एक्सेस होकर, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा एडमिन सर्विस, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है एडमिन पैकेज सर्विस मॉड्यूल एडमिन सर्विस फंक्शन, तो ये वाला हमें एक्सेस होकर मिल जा रहा है, मतलब हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं इस फाइल से एडमिन पैकेज के अंदर जो सर्विस मॉड्यूल है उसके फंक्शन को। सिमिलरली सर्विस की जगह पर आप जो दूसरा हमारा फाइल है एडमिन के अंदर में, अगर मैं आपको दिखाऊँ प्रोडक्ट फाइल या फिर प्रोडक्ट मॉड्यूल, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस चेंज कर देना यहाँ पर इस मॉड्यूल को, एडमिन तो रहेगा ही बिकॉज एडमिन पैकेज है, उसी के अंदर में ये वाला मॉड्यूल है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लिखना है। देन यहाँ पर भी आपको मॉड्यूल का नाम चेंज कर देना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर में देखिए हमारा जो नेम है फंक्शन का वह है एडमिन प्रोडक्ट, तो ये वाले फंक्शन को कॉल करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे मॉड्यूल का दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया जाए, वैसे तरह नहीं करेगा ना, प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर ये वाला फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन हमें कॉल करना है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन कीजिए, देखिए आपको ये रन होकर मिल जाएगा। एडमिन पैकेज के अंदर प्रोडक्ट मॉड्यूल रन हो रहा है जिसका नाम ये है। ओके, सो हम लोगों ने ये एक्सेस किया, हमने ये फाइल एक्सेस करना सीख लिया। हम लोगों ने सीखा कि इस फाइल से कैसे आप इस पैकेज के अंदर की ये फाइल और ये फाइल को एक्सेस करेंगे, क्लियर है इस सिंटैक्स से। अभी इसके इस कॉमन फोल्डर के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं इनको एक्सेस करना, यानी कि पैकेज के अंदर जो सब पैकेज है इसके अंदर की इन फाइल्स को अगर करना तो कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली करना ये है, मैं पूरा हटा देता हूँ फिर आपको लिख कर दिखाता हूँ। आपको सिंपली इम्पोर्ट लिखना है, ये पहला सिंटैक्स है हमारा, ठीक है। अभी हम लोग पहले सिंटैक्स पर ही चल रहे हैं, हम लोग अभी फ्रॉम वाले पे नहीं आए, उसमें बाद में आएंगे, जब आएंगे तब बताऊँगा। सो फ्रॉम पहले पैकेज का नाम जो कि है एडमिन, इसके अंदर हमारा सब पैकेज है जो कि कॉमन, और कॉमन के अंदर में हमारा मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल है देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर हेडर है और फुटर है, तो जिसको भी चाहें उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक करके दिखाऊंगा इस बार,
धीरे धीरे हम लोग कोड को छोटा करते जाएंगे। तो आपको हेडर लिखना है, उसके बाद हेडर के अंदर देखिए ये वाला हमारा हेडर के अंदर का कोड है, इसमें सिर्फ एक फंक्शन है एडमिन कॉमन हेडर, इसको हमें कॉल करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, पर लिखना है पैकेज का नाम, देन सब पैकेज का नाम, देन मॉड्यूल का नाम, और मॉड्यूल के किस फंक्शन को, जिस भी फंक्शन को करना है उसको आप लिखिए उसका नाम और कॉल कर लीजिए। सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए हमें रन होकर मिल रहा है। ओके सो ये तरीका, अभी आप इसमें देखिएगा फुटर करके, यहाँ पर आपको बस फुटर करना है, करके दिखा देता हूँ फुटर। और यहाँ पर मॉड्यूल नेम चेंज करना है, पैकेज सब पैकेज सेम है इसलिए वो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये फुटर में जाकर देखिए आपको उसका नाम देखने को मिलेगा। इस फंक्शन को कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पर आकर कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद रन कीजिए, देखेंगे आप कि आप इस फाइल से एडमिन फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है कॉमन, और उस फोल्डर के अंदर जो फाइल है फुटर, फुटर फाइल के अंदर जो फंक्शन है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, ये एडमिन पैकेज के अंदर कॉमन पैकेज, उसके अंदर फुटर मॉड्यूल, और इस फुटर मॉड्यूल के अंदर में ये वाला फंक्शन एक्सेस हो रहा है इस फाइल से। इसी तरीके से आप इस फाइल से यानी कि गीगसोस फाइल से टेक के अंदर या फिर आप यूज़र के अंदर के फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं दोनों में से एक को दिखा देता हूँ बिकॉज दोनों ही सेम जगह पर है। हालांकि एडमिन को दिखाया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए पहले ही, बट फिर भी मैं आपको दोनों में से एक का बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ टेक का। सो मुझे गीगसोस मॉड्यूल से अगर टेक फोल्डर के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, टेक फोल्डर के अंदर ये इस फाइल से टेक फोल्डर के अंदर जो ये वाले फाइल्स हैं इनको एक्सेस करने का है, तो कैसे करेंगे वह हम लोग देखने वाले। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ वर्क, या फिर प्रोफाइल करके दिखाता हूँ, फिर आप वर्क कर लीजिएगा। सो इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट लिखना है, देन टैग यानी कि हमारे पैकेज का नाम, तो टैग है मैंने लिख दिया टैग, और इसके अंदर जो मॉड्यूल है जिसको एक्सेस करने का उसका नाम, तो मैंने प्रोफाइल लिख दिया। सो इससे हमारा क्या हुआ, इम्पोर्ट हो गया हमारा ये वाला मॉड्यूल। अभी उसके अंदर क्या, हमें किसी फंक्शन को एक्सेस करना है, तो हम लोग पहले वहाँ जाते हैं। हमारा ये क्या टेक, टेक वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये रहा टेक पैकेज के अंदर, ये हमारा प्रोफाइल मॉड्यूल है, इसके अंदर ये वाले फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है पैकेज का नाम, तो टेक डॉट मॉड्यूल का नाम यानी कि जो कि प्रोफाइल डॉट, इसके अंदर हमारे ये फंक्शन है, इसको कॉल करना है। इसको करते हैं रन और ये हमारा निकल के आ गया आउटपुट। अब दूसरा जो हमारा इसमें मॉड्यूल है टेक फोल्डर के अंदर आप देखेंगे तो इसमें एक और मॉड्यूल है जो कि वर्क। अगर आपको वर्क को भी करना है तो आप सिंपल सिंपली यहाँ से मॉड्यूल नेम चेंज करना पड़ेगा, इसको वर्क कीजिए। यहाँ पर मॉड्यूल नेम चेंज करना पड़ेगा, इसको वर्क कीजिए, और यहाँ पर फंक्शन का नाम जो भी होगा, अब देखिए वर्क मॉड्यूल में क्या फंक्शन लिखा गया है। आपको यहाँ पर देखिए टेक पैकेज के अंदर वर्क मॉड्यूल ये वाला फाइल है हमारा, इसमें टेक वर्क नाम का फंक्शन है, तो आपको टेक वर्क नाम के फंक्शन को कॉल करना है। सो ये लिखा, सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन, तो हमें ये एक्सेस होकर मिल जाता है। ओके उसी प्रकार से आप यूज़र वाले को भी कर सकते हैं, तो आप इसको करके देखिएगा। मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर है, जैसे हम लोगों ने टेक को किया वैसे ही आपको यूज़र को कर लेना। तो ये हमारा एक सिंटैक्स है। अभी हम लोग दूसरा सिंटेक्स देखेंगे कि एक और तरीका हमारे पास है इसको पैकेजेस को इंपोर्ट करने का, और मॉड्यूल्स फिर मॉड्यूल्स के अंदर के फंक्शन वेरिएबल क्लासेस को यूज़ करने का। सो कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, हमारा जो भी चेंज होगा इस फाइल में होगा केवल, बाकी जो फाइल्स थे वो एज इट इज़ हैं, इसीलिए हम लोग दोबारा से हमें ज़्यादा मेहनत करने का सकता नहीं पड़ेगी जैसे मुझे पहली बार करना पड़ा। सो बाकी के फाइल्स एज इट इज़ हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर सिंटेक्स चेंज करके देखेंगे कि कैसे हम लोग को एक्सेस करना है, सेम चीज़ को हम लोग अलग सिंटेक्स से एक्सेस करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखने वाले हैं कि गीगसोस इस फाइल से हम लोग कैसे एडमिन फोल्डर के अंदर यानी कि एडमिन पैकेज के अंदर जो सर्विस हमारा मॉड्यूल है उसको कैसे आप इंपोर्ट करते हैं, देन सर्विस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन होगा उसको कॉल करना सीखेंगे। सो इसके लिए सिंटेक्स हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम एडमिन पैकेज, तो पैकेज का नाम लिखिए, एडमिन लिखा, और इसके अंदर जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का नाम लिखना यानी कि सर्विस। सो फ्रॉम एडमिन पैकेज इम्पोर्ट सर्विस मॉड्यूल, ये हमने कहा। अभी हमें सर्विस मॉड्यूल में देखिए, यहाँ पर सर्विस मॉड्यूल है हमारा, इसमें ये वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको पैकेज का नाम नहीं लिखना, डायरेक्ट आप मॉड्यूल का नाम लिखिए और जो फंक्शन है आपका एडमिन अंडरस्कोर सर्विस,
इसको कॉल कर लीजिए, ये आपका एक्सेस हो जाएगा। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। देखिए हमारा रन होकर हमें दिखाई दे रहा है। सो एक तो हमें एक्सेस करना आ गया। अभी हम लोग दूसरे फाइल को यानी कि प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। तो वही प्रोडक्ट भी हमारा एडमिन पैकेज के अंदर ही है, तो हम लोग सिर्फ मॉड्यूल नेम को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी मेरा ये चेंज होकर हो जाएगा। प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर हमारा जो फाइल होगा, तो एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट, ये वाला हमारा मॉड्यूल है, इसके अंदर फाइल है एडमिन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोडक्ट कर देना। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको रन करते हमें इसका आउटपुट देखने को मिल जा रहा है। सही सही करेक्ट ओके। सो सिर्फ हम लोग एक्सेस करना सीख रहे हैं कि कैसे आप एक जगह के फाइल से दूसरी जगह के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ एक्सेस करना सीख जाते हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आपका वेरिएबल भी एक्सेस हो सकता है, सेम तरीके से आपका क्लास भी हो सकता है, सेम तरीके से एरे भी हो सकता है, सेम तरीके से लिस्ट भी हो सकता है। ओके सो वापस से आते हैं इस सेंटेक्स पर। अभी मान लीजिए कि सब पैकेज के अंदर है, जैसे कि ये जो हमारा एडमिन है, एडमिन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है कॉमन, मुझे ये वाला इनमें से कोई एक यूज़ करने का है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपली मैं इसको हटाता हूँ पूरे को। आपको लिखना है फ्रॉम एडमिन फोल्डर के अंदर, तो आपको डॉट लिखना है और सब पैकेज का नाम लिखना है। अगर इसके अंदर कोई और पैकेज होता तो आपको डॉट देकर उसका भी नाम लिखना होता। सो सिंपली क्या करना है, फ्रॉम एडमिन के अंदर कॉमन के अंदर से इंपोर्ट करना है इसके मॉड्यूल को। मॉड्यूल का नाम लिख दे हेडर। आप एक और हमारा मॉड्यूल इसके अंदर फुटर, तो आप फुटर भी लिख सकते थे, बट फिलहाल कि मुझे हेडर करना है तो मैंने हेडर लिखा। और हेडर के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हमने कोड लिखा है। हमने एक फंक्शन लिखा, जिस फंक्शन को हम लोग कॉल करके इसको वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई में ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मैंने लिखा हेडर, यानी कि हमारा जो मॉड्यूल है उसका नाम और ये हमारा फंक्शन का नाम, और मैंने इसको कॉल कर लिया। सेव किया, सेव करने के बाद अगर ये हमारा एक्सेस हो जाता है तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग इस फाइल से उस पैकेज के अंदर जो सब पैकेज है और उस सब पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं अपने इस फाइल से। सो रन किया, देखिए एक्सेस हो रहा है, तो हम लोग इसको एक्सेस कर, यानी कि गिकी सोज फाइल से जो कि हमारा मेन फाइल है इस प्रोजेक्ट का, वहाँ से हम लोग एडमिन पैकेज के अंदर कॉमन पैकेज के अंदर हेडर मॉड्यूल में लिखा गया ये वाला फंक्शन यूज़ कर पा रहे हैं। कहाँ? इस गिकी सोज मॉड्यूल में। ओके सो यही हमारा पैकेज को एक्सेस करना, इंपोर्ट करने का मतलब होता है। सो ये तो हो गया कि सब पैकेज से आप कर सकते हैं। अभी हम लोग फुटर को चाहे तो फुटर को भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको चेंज करना पड़ेगा फुटर, यानी कि दूसरे मॉड्यूल का नाम लिखना है, साथ में यहाँ पे आपको चेंज कर देना है फुटर। साथ में देखिए फुटर में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है फंक्शन, ये हमारा फुटर से भी नेम चेंज करना है। सो यहाँ पर आपको लिख देना है फुटर और इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद इसको करेंगे रन, तो हमें फुटर वाला एक्सेस होकर मिलेगा फंक्शन। ओके सो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टैग को, यानी कि इस गीकी सोज फाइल से टैग फोल्डर के अंदर इन फाइल्स को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मैं आपकी बार आपको बताता हूँ कि यूज़र फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने टैग को देखा था, और मैंने कहा था कि टैग को जैसे किया वैसे यूज़र को कर लेंगे। तो इस बार मैं आपको यूज़र बता देता हूँ, फिर आप टैग को कर लेना, ठीक है? कैसे करना है देखिए, इसको मैं पूरे को हटाता हूँ। फ्रॉम लिखना है और पैकेज का नाम हमारा क्या है, यूज़र, तो यूज़र लिखा। इसमें क्या इंपोर्ट करना है, कौन सा मॉड्यूल, तो यूज़र के अंदर हमारा क्या मॉड्यूल है वह देख लेते हैं। यूज़र के अंदर हमारा मॉड्यूल है ये वाला, यानी कि रिक्वेस्ट है और प्रोफाइल है। तो आप जिसको भी चाहें उसको कर सकते हैं। मैं प्रोफाइल और रिक्वेस्ट दोनों ही आपको करके दिखाता हूँ। पहले प्रोफाइल को करते हैं, तो मैं लिख दिया प्रोफाइल, और यहाँ पर प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल के अंदर देखिए आपको मिल जाएगा कुछ यूज़र का ये वाला है, यूज़र पैकेज के अंदर रिक्वेस्ट है, यूज़र पैकेज के अंदर ये प्रोफाइल मॉड्यूल, इसके अंदर ये यूज़र प्रोफाइल जो फंक्शन है इसको हमें एक्सेस करना है गिकी सोज से। सो प्रोफाइल यानी कि मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट देना है और फंक्शन का नाम लिखना है। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको करेंगे हम लोग रन, तो हमें ये मिल जाएगा यूज़र पैकेज के अंदर जो प्रोफाइल मॉड्यूल है उसका जो फंक्शन है वह कॉल होकर, यानी कि एक्सेस हम लोग कर पा रहे हैं इस तरीके से। ओके सो हमारा जो यूज़र फोल्डर है यानी कि यूज़र पैकेज है, उसके अंदर एक और है हमारा रिक्वेस्ट नाम का, तो इसको भी मैं एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ये हमारा मॉड्यूल है, इसके अंदर हमारा एक फंक्शन है यूज़र रिक्वेस्ट, इसको हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना है, मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट लिखा, देन आपको यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना जो कि यूज़र रिक्वेस्ट, इसको कॉल करना है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे क्लियर, उसको करेंगे रन, देखिए हमें एक्सेस होकर मिल जा रहा है।
ओके सो ये था हमारा एक और सिंटैक्स फ्रॉम यूज़र यानी कि फ्रॉम पैकेज नेम इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम। ओके सो नेक्स्ट सिंटैक्स है हमारा जिसमें हम लोग डायरेक्टली जो मॉड्यूल के अंदर कोड होते हैं जैसे कि कोई वेरिएबल रहा, कोई फंक्शन रहा, कोई क्लास रहा, कोई एरे रहा, कोई लिस्ट रहा, उसको डायरेक्टली कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं वह हम लोग देखने वाले हैं। सो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग देख रहे थे कि आपको पैकेज, आपका जो पैकेज है, पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल है उसको आप इम्पोर्ट कर रहे थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे, पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल रहेगा और मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होंगे, जैसे इसमें एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को कैसे आप डायरेक्टली इम्पोर्ट करेंगे और इसको यूज़ करेंगे वह हम लोग देखेंगे। सो शुरू से शुरू करता हूँ मैं, इसको पहले हटा देता हूँ, ये हम लोग देख चुके हैं, सेव कर दें। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इस फाइल से पहले देखेंगे कि एडमिन फोल्डर के अंदर जो ये वाला मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर यानी कि सर्विस मॉड्यूल के अंदर जो हमारा फंक्शन है इसको डायरेक्टली आप कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको लिखना है फ्रॉम पैकेज का नाम, तो पैकेज का नाम हो गया एडमिन, और इस पैकेज के अंदर मॉड्यूल कौन सा है तो उस मॉड्यूल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको इम्पोर्ट लिखना है और इस मॉड्यूल के अंदर कौन से फंक्शन को करना है। फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है बट यहाँ मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, सारे कुछ मिलाकर यहाँ लिखे जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक फंक्शन बनाया तो ये फंक्शन हमें डायरेक्टली यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट ये वाला फंक्शन। अगर और भी फंक्शन होते या फिर वेरिएबल होते हैं तो आपको इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके लिखना होता। मान लीजिए कि ए एक वेरिएबल होता या फिर कोई क्लास होता, मान लीजिए कि मोबाइल, तो आपको ऐसे लिखना होता, इस तरीके से आपको इम्पोर्ट करना पड़ता। बट फिलहाल हमारा एक फंक्शन है तो मैंने सिर्फ इसको इम्पोर्ट कर लिया। अभी इसको एक्सेस करना तो आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एडमिन सर्विस और इस तरीके से पैरेंथेसिस दीजिए तो हमारा ये मेथड, सॉरी ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर हमारा जो भी इसका इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन लिखा गया वह हमें एक्सेस होकर देखने को मिल जाएगा। सो मैंने इसको सेव किया और इसको कर दिया रन, तो हमें मिल जाता है ये। सो इसके अंदर एक दूसरा मॉड्यूल है प्रोडक्ट, तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, बस हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, सर्विस मॉड्यूल नहीं अब की बार हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल है। और प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर हमारा क्या है एक बार देख लेता हूँ मैं, हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर हमारा ये वाला फंक्शन है तो मुझे ये फंक्शन इम्पोर्ट करना था डायरेक्टली। आपको इस फंक्शन का यहाँ पर नाम लिख देना है और इस फंक्शन को आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके का पैकेज नेम आगे नहीं लगाना है, ना ही आपको मॉड्यूल नेम आगे लगाना है डॉट देने की डॉट देकर, डायरेक्टली आप लिखिए जो भी आपने इम्पोर्ट किया है, फाइल या फिर वेरिएबल या फिर क्लास, उसको डायरेक्टली लिखिए। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन और आपको मिल जाएगा सही आउटपुट। ओके उसके बाद सब पैकेज का देख लेते हैं, मतलब ये जो एडमिन फोल्डर के अंदर जो कॉमन फोल्डर है इसके अंदर जो ये फाइल्स हैं इनको कैसे आप एक्सेस करेंगे, इन फाइल्स के अंदर जो कोड है उसको कैसे एक्सेस करेंगे एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं। सो इस पूरे को मैं हटाता हूँ, फ्रॉम लिखना है और पैकेज है हमारा एडमिन, क्योंकि एडमिन के अंदर ही है हमारा, तो एडमिन के अंदर हमारा एक और पैकेज है जो कि इसको सब पैकेज कह सकते हैं कॉमन नाम का। देन इसके अंदर जो मॉड्यूल है जो कि हेडर है इसमें से हमें इम्पोर्ट करना है, देखते हैं हेडर में क्या हमारा है, हेडर में है ये वाला फंक्शन तो इसको इम्पोर्ट करना है। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अभी हम लोग डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं ये फंक्शन को, हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया डायरेक्टली। सो इसको क्या सेव, सेव करने के बाद इसको करेंगे हम लोग रन, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से यहीं पर हमारा एक फुटर भी है, हेडर तो हमने देख लिया, फुटर देख लेते हैं, आपको बस चेंज करना है मॉड्यूल का नाम जो कि है फुटर, और फुटर के अंदर हमारा क्या है ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पर इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, देन आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। सेव किया, सेव करने के बाद इसको कर देते हैं रन, देखिए हमें रन ओके मिल जा रहा है। एडमिन पैकेज के अंदर कॉमन पैकेज और कॉमन पैकेज के अंदर ये वाला मॉड्यूल और इस मॉड्यूल के अंदर ये वाला फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके सो यहाँ तक तो हो गया, अभी हम लोग बाहर आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल से आप यूज़र जो पैकेज है हमारा इसके फाइल्स को कैसे आप मतलब इसके फाइल्स के अंदर जो कोड है, जैसे कि मेरा प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल कहाँ गया, यूज़र प्रोफाइल या फिर टैग का भी आप यूज़ कर सकते थे, तो यूज़र प्रोफाइल ये वाला, इसमें यूज़र प्रोफाइल करके हमारा एक फंक्शन है, इसको कैसे एक्सेस करना है तो इसको यहाँ से यहाँ हटाते हैं। फ्रॉम यूज़र डॉट प्रोफाइल मॉड्यूल इम्पोर्ट यूज़र प्रोफाइल, ये हमारा फंक्शन का नाम। देन आप सिंपली यूज़र प्रोफाइल
इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन तो हमें ये एक्सेस होकर मिल जाता है। अभी यूज़र के अंदर एक और हमारा है, आप देखेंगे रिक्वेस्ट नाम का, तो आप इसको देखिएगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको इम्पोर्ट कीजिएगा और उसको एक्सेस करके देखिएगा। उसी तरीके से आप टैग पैकेज के अंदर जो फाइल्स हैं और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको देखिएगा, साथ में देखिएगा आप वेरिएबल बनाकर भी आप एग्जांपल देखिएगा कि वेरिएबल बनाने से वेरिएबल को मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। आप मल्टीपल फंक्शंस को इंपोर्ट करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। सो ये तो हमारा हो गया, इसमें और कुछ है नहीं, तो इसमें आगे बढ़ेंगे, मतलब इस सिंटेक्स में और कुछ नहीं है, बस सिमिलर यही हमें लेकर चलना है आगे। अब हम बात करेंगे एस्ट्रिस्क वाले कॉन्सेप्ट की, ये जो हम लोग देख रहे थे जिसमें हम लोगों को ये वाला देखना पड़ेगा ऑल, इस तरीके से एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं वह देखना पड़ेगा। सो ये कब यूज़ करना है पहले सिनेरियो समझ लीजिए। जैसे कि मुझे फ्रॉम एडमिन, हमारा जो एडमिन पैकेज है उसमें से इंपोर्ट करना है कोई भी मॉड्यूल, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम एडमिन इंपोर्ट और उसमें क्या हमारा मॉड्यूल है एक बार दिखाता हूँ मैं आपको फोल्डर में जाकर। देखिए एडमिन हमारा पैकेज है या फिर फोल्डर है, इसके अंदर दो फाइल्स हैं, तो मुझे मान लीजिए कि सर्विस को इंपोर्ट करना था, मैंने सर्विस लिखा, देन हम लोग क्या कर सकते हैं सर्विस इस तरीके से लिखिए और इसके अंदर जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर फंक्शन है एडमिन सर्विस, तो इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। देन आप इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको आप रन कीजिए तो आपको रन होकर दिखाई देता है। या फिर एक और हमारा आप देख सकते हैं फोल्डर कहाँ गया, ये वाला हमारा प्रोडक्ट नाम देखते हैं, यहाँ पर कॉमा देकर आप दोनों को साथ में इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट इस तरीके से लिखिए, और भी हो तो और बाकियों को भी आप कॉमा देकर लिख सकते हैं जो कि एडमिन पैकेज के अंदर में होना चाहिए। सिर्फ एडमिन पैकेज के अंदर में जो मॉड्यूल होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। देन आप प्रोडक्ट के अंदर जो होगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट जो भी प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन होगा एडमिन प्रोडक्ट इसके अंदर फंक्शन है, तो आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको किया हमने रन, तो आप देखेंगे पहले एडमिन पैकेज के अंदर जो सर्विस मॉड्यूल है, सर्विस मॉड्यूल का एडमिन सर्विस फंक्शन कॉल हुआ, फिर एडमिन पैकेज के अंदर जो प्रोडक्ट मॉड्यूल है उस प्रोडक्ट मॉड्यूल का एडमिन प्रोडक्ट फंक्शन कॉल हुआ। क्लियर है? अभी मान लीजिए कि इस तरीके से बहुत सारा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार का यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग एस्ट्रिस्क ये लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है ऑल। सो इसको मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या कह रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ कि एडमिन पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं जैसे कि सर्विस और प्रोडक्ट है तो दोनों को इंपोर्ट करो, फिर उन मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शन को मैंने कॉल किया, सेव किया, सेव करने के बाद देखते हैं ये रन करता है या नहीं। मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, जब मैंने इसको रन किया आप देखेंगे यहाँ पर आपको एरर मिलता है, ये कहता है कि सर्विस इज़ नॉट डिफाइंड। सो बेसिकली आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप एस्ट्रिस्क लगा कर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये जो फार्मूला है, ये जो सिंटेक्स है, ये काम आता था मॉड्यूल में, बट पैकेज में ये काम नहीं आता है। सो क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है INIT फाइल में, यानी कि एडमिन पैकेज के अंदर जो INIT फाइल है उसमें आपको जाना है। तो ये तो हमारे SMS के अंदर है, हमारा एडमिन के अंदर ये वाला देखिए एडमिन पैकेज के अंदर INIT ये फाइल है, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको एक लिस्ट वेरिएबल बनाना इसमें अंडरस्कोर और आपको लिखना ALL ऑल फिर अंडरस्कोर इक्वल, ये एक लिस्ट होगा। किस चीज़ का लिस्ट? ये लिस्ट होगा कि आप एडमिन पैकेज के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स का लिस्ट यहाँ पर आपको बनाना है। सिर्फ उन मॉड्यूल्स का लिस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है जिनको आप चाहते हैं कि स्टार लिखने पर वह इम्पोर्ट हो जाए। सो मैं बनाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, मैं दोनों को ही कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास दो ही काम का मॉड्यूल है, तो पहले को सर्विस कॉमा देकर दूसरे को प्रोडक्ट, और होता तो कॉमा देकर उसको भी आप लिख सकते थे प्रोडक्ट। इसको सेव किया, अभी देखिएगा अभी ये हमारा काम सही तरीके से करेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन, तो अभी हमारा दोनों ही रन हो जा रहा है। एडमिन पैकेज में सर्विस मॉड्यूल में जो इसका फंक्शन है वह भी कॉल हो रहा है और एडमिन पैकेज में प्रोडक्ट मॉड्यूल में जो फंक्शन है वह भी कॉल हो रहा है। इसमें से अगर कोई एक भी हम लोग हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट को हटा दूं, प्रोडक्ट मैंने हटा दिया, मैंने कहा कि नहीं सिर्फ एक ही आना चाहिए तो सर्विस ही आना चाहिए, जब यहाँ एस्ट्रिस्क लिखिए तो सिर्फ सर्विस आना चाहिए, इस केस में सिर्फ सर्विस वाला काम करेगा, प्रोडक्ट वाला आपका काम नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे आपको
सर्विस वाला तो सही आउटपुट दे रहा है, बट प्रोडक्ट वाला आपको बता रहा है कि नेम प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। सो अब की बार वो इम्पोर्ट नहीं हुआ जस्ट बिकॉज आपने यहाँ से इसको हटा दिया। फिर वापस इसको ले आइए, सेव कीजिए और फिर से आपका ये कोड काम करने लगेगा। रन किया, अभी काम करने लगा। ओके, सो ये है यूज़ इसका। इसमें आप सिंपली क्या करते हैं, इसमें सिंपली आप डिफाइन कर देते हैं कि जब यहाँ कोई ऑल करे तो ये लिस्ट आपका इम्पोर्ट हो जाए, जिसमें आप मॉड्यूल्स के नेम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सब पैकेज की, बिकॉज सब पैकेज को देखना भी ज़रूरी है। सो एडमिन के अंदर जो होगा उसको हम लोग स्टार का यूज़ करके कैसे एक्सेस करेंगे ये तो हमने देख लिया। क्या करना है, एडमिन के अंदर जो init फाइल है उसमें आपको _all_equal का एक लिस्ट बनाना है, और उसमें आपको जो भी मॉड्यूल्स चाहिए उस मॉड्यूल का आप नाम लिख देते हैं। अगर यही सब पैकेज के अंदर हो तो सब पैकेज के अंदर जो init फाइल है उसमें आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं। From admin.common import, इसका हम लोग देखते हैं क्या हेडर है। अभी याद होने लगा कि किसके अंदर क्या मॉड्यूल है। सो एक हेडर है और इसमें हमारा एक हेडर मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया। इसमें एक हमारा फंक्शन है एडमिन कॉमन हेडर, यही है ना, ठीक से याद नहीं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार। देखिए हेडर है हमारा यहाँ, देखिए एडमिन कॉमन हेडर ये वाला। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं और इसको हम लोग रन करके आउटपुट देख सकते हैं। एक और हमारा है फूटर, तो यहाँ कॉमा देकर फूटर को भी साथ में लिख सकते हैं। तो फूटर लिखा और अब फूटर मॉड्यूल का नाम लिखिए, देन इसके अंदर जो फंक्शन है ये वाला, ये अब आप कॉल कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट और ये कॉल कर लिया। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन तो हमें दोनों ही मिल जाता है। क्लियर है। अभी मुझे यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारा लिखने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ स्टार करूँ जिससे कि मुझे ऑल हो जाए, यानी कि जितने भी मैं चाहता हूँ उतने हो जाएँ। तो ये इस तरीके से काम नहीं करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको यूज़ में लाने के लिए हमें इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। सो एडमिन पैकेज के अंदर, कॉमन पैकेज के अंदर जो हमारा init फाइल होगा, सो ये है यहाँ पर, देखिए एडमिन पैकेज के अंदर, कॉमन पैकेज के अंदर ये init फाइल है। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट वेरिएबल बनाना है और इसका नाम यही होना चाहिए _all_equal लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देना है। देन यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपको इंपोर्ट करना है, जैसे मुझे हेडर और फुटर दोनों करना है अभी के लिए, तो हेडर लिखा और फुटर मॉड्यूल का नाम लिख दिया। अभी सेव किया, अभी ये हमारा सही तरीके से काम करने लगेगा, कोई भी एरर हमें नहीं मिलेगा। मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको रन किया, देखिए दोनों हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये तरीका है इसको यूज़ में लाने का, इस वेरिएबल का यूज़ करने का। ये लिस्ट वेरिएबल है हमारा, आप चाहें तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग सेपरेटली देखते थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सेपरेटली करना है हर बार। अगर आपको मान लीजिए कि एडमिन कॉमन इस पैकेज में से भी आपको फाइल्स चाहिए या फिर कोड चाहिए या फिर मॉड्यूल चाहिए, और आपको एडमिन वाले मैसेज भी से ही चाहिए, यानी कि एडमिन इम्पोर्ट ऑल, तो ऐसा भी चाहिए, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर में जाकर, वहाँ से क्लियर पता चलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एडमिन के अंदर जो दो फाइल्स हैं इनको भी मुझे यूज़ करना है, साथ में मुझे यूज़ करना है कॉमन फोल्डर के अंदर जो ये दो फाइल्स हैं, तो आप दोनों ही इम्पोर्ट स्टेटमेंट को साथ में लिख कर सभी को साथ में यूज़ कर सकते हैं। सो क्विकली मैंने कोड लिखा, देखिए सर्विस एडमिन के अंदर क्या है, सर्विस है और प्रोडक्ट है, तो दो मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया उनका दोनों फंक्शन। एडमिन के अंदर जो कॉमन है और कॉमन के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं हेडर और फुटर, तो उनको इंपोर्ट किया और उनके फंक्शंस को कॉल कर लिया। तो सेव किया, सेव करने के बाद क्लियर करके इसको रन करते हैं। देखिए सब कुछ हमें रन होकर दिखाई देगा। सो मैंने पहले कभी बताया नहीं कि आप इस तरीके से दो यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आपका दिमाग तो इतना चल रहा होगा कि आप जितने भी इंपोर्ट करने हों उतने इंपोर्ट कर सकते हैं। ये शुरू से अभी तक का सभी कॉन्सेप्ट में अप्लाई होता है। अब हम सिबलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि ये हमारा एक मेन फाइल हुआ करता था और बाकी जितने भी इसके अंदर फाइल्स हों, चाहे इसके अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर की फाइल हों, उनको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं इस फाइल में, ये हम लोग देखते थे। लेकिन अभी हम लोग सिबलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सिबलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप और आपके भाई या फिर आपकी बहन, तो सिबलिंग हो गए। ठीक,
तो इस केस में क्या क्या हो गया, इसमें ये इसका सिबलिंग है या फिर ये इसका सिबलिंग है, ऐसा कह सकते हैं, दोनों सेम लेवल पर हैं। फिर देखेंगे कॉमन, कॉमन का कोई भी सिबलिंग नहीं है यहाँ पर, कोई भी फोल्डर सिबलिंग नहीं है। कैसे आप यूज़र के इस रिक्वेस्ट फाइल को टैग के अंदर इस वर्क फाइल में यूज़ कर सकते हैं, फिर से सुनिए, कैसे आप इस यूज़र के रिक्वेस्ट फाइल को या फिर मॉड्यूल को टैग के इस वर्क फाइल में या फिर मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता है और कई लोगों के समझ में आता ही नहीं है, मतलब बना तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है बट रन नहीं करता है कोड, कुछ इसमें कुछ ट्रिक हैं जिस वजह से ये रन नहीं करता। सो वो सारी चीज़ हम लोग इसमें ठीक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो ये और ये सिबलिंग है और ये दोनों एक दूसरे के कोड को कैसे यूज़ करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमें इतनी सारी चीज़ों की इतने सारे फाइल की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ दो फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, पहला ये वर्क जो कि टैग पैकेज का है और दूसरा हमारा ये रिक्वेस्ट जो कि यूज़र पैकेज का। ये रिक्वेस्ट मैं इसको दोनों को साथ में कर देता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये और ये, ठीक। सो यूज़र का, यूज़र पैकेज का जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है इसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं टैग पैकेज के वर्क मॉड्यूल में, क्लियर कॉन्सेप्ट। बाकी के कोड को आप यहाँ से हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे कोड किसी काम के नहीं है, ये चाहें आप लोग तो इसको हटा सकते हैं, और बाकी के जितने भी फाइल हैं सबको आप हटा सकते हैं। आप सिंपली सिर्फ ये और ये फाइल रखिए, आपका ये एग्जांपल हो जाएगा। बट मैं हटा नहीं रहा हूँ बिकॉज फिर से मुझे रीओपन करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ आगे फिर एग्जांपल दिखाना पड़े तो, लेकिन इस एग्जांपल के लिए सिर्फ ये दो फाइल। सो मुझे इस वाले फंक्शन को या फिर कह सकते हैं कि इस मॉड्यूल को यहाँ पर यूज़ करना, तो कैसे करेंगे, सिबलिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम लिखना है, कहाँ से बिलोंग करता है हमारा ये जो जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूल, ये मॉड्यूल बिलोंग करता है यूज़र पैकेज से, यानी कि यूज़र नाम के फोल्डर से। तो आपको यहाँ पर फ्रॉम यूज़र लिखना है, यानी कि जिस पैकेज से आ रहा है उस पैकेज का नाम लिखना है। तो फ्रॉम यूज़र इम्पोर्ट, इसको इम्पोर्ट करना है कौन से मॉड्यूल को, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। तो रिक्वेस्ट लिख दिया, मैंने कहा कि यूज़र पैकेज से रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हमारे वर्क मॉड्यूल में जो कि टैग पैकेज का है वहाँ इम्पोर्ट कर लो हिंदी भाषा में। तो इस चीज़ के लिए हमने ये कोड लिख दिया, वह हमारा इम्पोर्ट हो गया, अब हम लोग सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यूज़ करने के लिए आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट लिखिए, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारा एक फंक्शन होगा, इसको हम लोग कॉल करके इसको टेस्ट करेंगे कि वाकई में ये इम्पोर्ट हुआ है या नहीं। सिंपली इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं, सेव कीजिए इसको, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद हमें किस फाइल को रन करना पड़ेगा, हमें वर्क डॉट पी वाई इस फाइल को रन करना पड़ेगा, तभी तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज इस फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया जा रहा, तो सिंपली सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा जिससे हमें रिक्वेस्ट ये वाला फंक्शन रन होकर ये आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो हमें ये फाइल रन करना है, वर्क मॉड्यूल को रन करना है, ध्यान रहे। सो ये है हमारा पावर शेल, आप देखेंगे हम लोग अभी कहाँ पर है, हम लोग अभी अभी हैं यूज़र, ये मेरा यूज़र नेम, डेस्कटॉप एसएमएस फोल्डर के अंदर है। एसएमएस फोल्डर के अंदर तो हमारा ये वाला फाइल नहीं है, हमारा ये वाला फाइल है कहाँ, टैग पैकेज के अंदर, यानी कि एसएमएस फोल्डर के अंदर जो हमारा टैग फोल्डर है इसके अंदर में ये वर्क फाइल है, तो हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करता हूँ, सीडी, ये हमारा सीएमडी का कोड है, सीडी मतलब सीएमडी का कमांड है, सीडी लिखा और टैग लिखा, और मैं इसके अंदर चला गया, यानी कि यहाँ से अब मुझे वर्क फाइल का एक्सेस मिल जाता है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन वर्क डॉट पी वाई, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, यहाँ से आप इसको रन करने की कोशिश करते हैं, जब आप इसको यहाँ से रन करने की कोशिश करते हैं बिकॉज लॉजिक जो हमारा इसी तरीके से काम करता है कि हमारा फाइल जहाँ पर है उस पाथ में हमें जाना है तभी हम इसको रन कर सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इस जगह पर ये काम नहीं करेगा। मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे कि आपको एरर मिलता है, ये कहता है कि नो मॉड्यूल नेम्ड यूज़र, तो ये इसको पता नहीं चल पा रहा कि यूज़र क्या है। सो इसलिए आपको मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर बता रहा है। ये क्यों बता रहा है ऐसा, देखिए यहाँ से आपने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, यानी कि किसको, यूज़र को, तो यहाँ पर कहीं यूज़र है नहीं है, यहाँ वर्क तो है बट यूज़र नहीं। अब इसको थोड़ी ना पता है कि इसका कोई सिबलिंग है यूज़र नाम का, इसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इसको सिर्फ अपने इस पाथ पर आप हैं
इसको पता है सिर्फ इतना, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं पता है। तो इसको इसके सिबलिंग के बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से, यानी कि यहाँ पर आकर आपको इस कोड को रन करना पड़ेगा, जिससे कि उसको पता चलेगा कि उसका जो फाइल है वो टैग में है और टैग का एक सिबलिंग है ये, जिसका उसको यूज़ करने का है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। सो आपको बेसिकली यहाँ पर आना है, जिससे कि दोनों ही नज़र आए और वो अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सके। बट इसको सिंपली ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ कि आपको SMS फोल्डर के अंदर में आना, तो यहाँ से आपको एक बाहर निकलना, डॉट 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 करेंगे आप SMS फोल्डर के अंदर चले आएंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए हम लोग अभी SMS के अंदर आ गए। SMS के अंदर से आपको टैग भी नज़र आ रहा है और यूज़र भी नज़र आ रहा है, यानी इसको पता है कि टैग क्या है और यूज़र क्या है, यानी कि इसके अंदर के कोड के बारे में भी जानकारी। बट सिंपली आप अब यहाँ से ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं। अगर हम लोग ऐसे करें कि पाइथन वर्क डॉट पी वाई, तो ऐसे भी नहीं कर सकते बिकॉज ये तो इसको तो यहाँ तो कहीं वर्क डॉट पी वाई नाम का फाइल है ही नहीं, तो ऐसे भी ये ओपन नहीं होगा। बिकॉज यहाँ देखिए सिंपली कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसको रन करने का एक डिफरेंट तरीका है, जिसमें हम लोग फ्लैग का यूज़ करते हैं, डैश एम। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो फ्लैग करता क्या है, उसके लिए हम लोग पाइथन हेल्प में जाएंगे। तो पाइथन डैश डैश हेल्प, इसको रन कीजिए। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ये फ्लैग देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग फ्लैग यूज़ करेंगे ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये रन करेगा लाइब्रेरी को, रन लाइब्रेरी मॉड्यूल एज अ स्क्रिप्ट। एज अ स्क्रिप्ट हमें रन करना है अपने मॉड्यूल को, तभी हम लोग रन कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा रन नहीं होगा। सो ये फ्लैग लगाएंगे हम लोग यहीं पर SMS में रहकर। आपको लिखना है पाइथन, क्लियर कर लेता हूँ मैं। आपको लिखना है पाइथन डैश एम, देन लिखना है जो भी आपका पैकेज का नाम है, फोल्डर का नाम यानी कि टैग, और डॉट देकर जो फाइल का नाम है, मॉड्यूल का नाम है वाव, यानी कि वर्क। यहाँ पर डॉट पी वाई नहीं लिखना है, ठीक, सिर्फ वर्क इतना ही मॉड्यूल का नाम लिखना है, और इसको आप इंटरप्रेस कीजिए, ये आपको रन होकर मिल जाएगा। ओके, आपने रन क्या किया, आपने रन किया टैग पैकेज का वर्क मॉड्यूल, और ये आपको कौन सा फंक्शन कॉल करके दे रहा है, यूज़र पैकेज का रिक्वेस्ट मॉड्यूल का ये वाला फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपने इसको यहाँ पर कॉल किया हुआ है। सो इससे सिंपली मतलब ये होता है कि आप इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर पा रहे हैं और साथ में उसका फंक्शन भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सही तरीका है सिबलिंग जब आप यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, तब उसको रन करने का। और यही चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होने की वजह से या तो वो इसको यूज़ नहीं करते हैं या फिर उनको ठीक तरीके से समझ में नहीं आता। तो गाइज़ ये वाला ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी जब ये समझ में नहीं आता है लोगों को, तो लोग एक हैक यूज़ करते हैं, वो हैक मैं आपको लास्ट में बताऊँगा या फिर बता देता हूँ। ऐसे इम्पोर्ट ना करके आप SYS पाथ को मॉडिफाई करते हैं मैन्युअली, देन उसको आप एक्सेस करते हैं। तो आप चाहें तो वह भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देख लीजिए। सो इसको मैंने कमेंट कर दिया हुआ है। अभी सेम चीज़ को हम लोग रन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, बिल्ट इन मॉड्यूल है ये SYS, देन इसका एक SYS.path लिखना है, ये सारे प्री डिफाइंड हैं, अपेंड करना होता है इसमें, मतलब पाथ SYS.path जो है उसको आप उसमें आप अपेंड कर रहे हैं अपना लोकेशन। तो सिंपली आपको कौन सा लोकेशन अपेंड करना है, जहाँ से आपका रिक्वेस्ट मॉड्यूल आ रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल का जो पूरा पाथ होगा वह, यानी कि ये हमारा इस यूज़र फोल्डर के अंदर है, तो आपको सिंपली ये वाला पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और ये स्लैश आपको चेंज कर देना है। ये वाला स्लैश नहीं चलता है, जानते हैं ना आप लोग, ये स्लैश नहीं चलेगा। तो आपको ये स्लैश इस तरीके से चेंज कर देना, या फिर आपको स्केप करना पड़ेगा, तो स्केप कौन करे महाराज। इस तरीके से स्लैश हमने चेंज कर दिया, देन सिंपली आप इंपोर्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, देन आपका रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी इजीली। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, फिर इसको रन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसको रन करने के लिए कि CD टैग इसके अंदर जाना है, देन आपको यहाँ पर डायरेक्टली पाइथन वर्क डॉट पी वाई ऐसे लिख कर इसको रन करना। ठीक है, रन हो गया। ओके, सो इस केस में
ये ऐसे रन हो जाता है। तो लोग करते क्या है कि लोगों को इस तरीके से एज ए स्क्रिप्ट रन करना पता नहीं होता है, तो इसीलिए लोग समझते इस तरीके से रन करने की कोशिश करते हैं, जब रन नहीं करता है तो वो लोग बाईपास करने के लिए ये वाला हैक यूज़ कर लेते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है मेरे ख्याल से। आपको जो दिया गया वही आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो आपको बहुत सारा कोड ऐसा देखने को मिलेगा, इवन कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ाया गया है वो भी इस तरीके से पढ़ाया गया है बहुत जगहों पर, लेकिन आपको हमेशा ये जो ऑफिशियल है उसको यूज़ करना। ये भी ऑफिशियल ही है, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल नहीं है, आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, हैबिट बनाना है इसको। सो ये मैं हटा देता हूँ, ये तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए था कि आपको ऐसा कोड देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारा ये कोड है और ये हमारा रन कर रहा था एज अ स्क्रिप्ट, हम लोग रन कर रहे थे। और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगी, अगर डायरेक्टली जैसे कि हम लोग अभी मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सिबलिंग है लेकिन रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हम लोग यहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल के किसी फंक्शन को या फिर किसी वेरिएबल को जो कि होता या फिर किसी क्लास को डायरेक्टली इम्पोर्ट करना होता है यहाँ, तो कैसे करते हैं वह देख लीजिए, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो सिंपली आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ यूज़र डॉट जो मॉड्यूल होता है वह मॉड्यूल आप लिखते हैं, जैसे कि इस केस में रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट यानी कि यूज़र के रिक्वेस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर में, देखिए हमें यूज़र का ये जो रिक्वेस्ट है मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर में जो फंक्शन है उसको हमें डायरेक्ट यहाँ इम्पोर्ट करना है। सो मैंने लिखा यूज़र डॉट मॉड्यूल और यहाँ पर इसका डायरेक्ट फंक्शन का नाम क्या है देखते हैं, यूज़र रिक्वेस्ट, यूज़र रिक्वेस्ट, देन आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से, इसमें आपको मॉड्यूल नेम लिखने का सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। इसको सेव कीजिए और आपको ये सिमिलर तरीके सेम उसी तरीके से रन करना जैसे हम लोग स्क्रिप्ट रन करते हैं, वैसे ही रन करना है आपको, ये रन होकर दिखाई देगा, मतलब ये वाला रूल फॉलो करना है। तो पहले बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से, सीडी डॉट डॉट करते हैं और इस तरीके से रन करते हैं तो हमें ये एक्सेस होकर मिल जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको इम्पोर्ट कर लेना है किसी फंक्शन को, किसी क्लास को, किसी वेरिएबल को, तो आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। कहाँ से आना है, यूज़र से, कौन से मॉड्यूल से, रिक्वेस्ट से, इस मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, कॉमा देकर अगर और भी है तो आप और भी लिख सकते हैं, वेरिएबल या क्लास का नाम या फिर अदर फंक्शन, ओके। देन आप जब एक्सेस करेंगे तो आपको उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है विदाउट एनी मॉड्यूल नेम या फिर पैकेज नेम, ओके। सो ये तो हमारा क्लियर हो गया, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है इस रिक्वेस्ट को हमने इस वर्क में यूज़ किया, अब इस वर्क को हम लोग यूज़ करेंगे अपने मेन फाइल में। इससे होगा ये कि हम लोग वर्क को यूज़ करेंगे और वर्क यूज़ कर लेगा रिक्वेस्ट को, क्लियर, समझ में आ रहा। सो वर्क को कैसे यहाँ पर यूज़ करना, ये हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं। तो वर्क को अगर आपको यूज़ करना अपने मेन फाइल में, तो पहले मैं आपको फोल्डर में लेकर चलता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें इस फाइल से वर्क को यूज़ करना है, वर्क कहाँ, वर्क हमारा है टेक फोल्डर के अंदर, यानी कि ये वाला फाइल, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्या, देखिए फ्रॉम वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम टेक यानी कि ये पैकेज, इस पैकेज में से इम्पोर्ट करो क्या वर्क, ये मॉड्यूल, तो ये इम्पोर्ट हो गया। अभी इस मॉड्यूल के अंदर हमें एक फंक्शन कॉल करना है, वर्क मॉड्यूल के अंदर हमारी ये फंक्शन है, तो इसको हमें कॉल करना है टेक वर्क। इसको अगर हम लोग अभी कॉल करते हैं, इसको हम लोग अभी रन कर दें, तो रन करने से क्या होगा, ये वाला हमें दिखाई देगा, बट ये तो हमारा अभी रन नहीं हो रहा, ये रन होगा कब, ये रन होगा अगर हम लोग इसको इसके अंदर लिख दें यहाँ पर, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और साथ में ये जब हमारा कॉल होगा तो हमारा ये वाला रन होगा और ये हमें दिखाई देगा। सिंपल, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट ईजी है। सेव किया, सेव करने के बाद अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रिप्ट रन नहीं करना है, बल्कि आपको अपना ये मेन फाइल रन करना है। सो आपको लिखना है पाइथन और मेन फाइल हमारा है गेकी सोर्स, ये यूज़ करेगा वर्क को और वर्क ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेगा रिक्वेस्ट को, जो उसका अपना तरीका है उस हिसाब से। वर्क को अब हमें बताना नहीं है, वो अपना तरीका अपना दिमाग लगाएगा और वो अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। सो मैं रन कर रहा हूँ गेकी सोर्स फाइल को, मैंने इंटरप्रेस किया, आप देखेंगे पहले हमारा यहाँ से ये टेक वर्क कॉल हुआ तो ये यहाँ गया, अभी हमें टेक पैकेज और वर्क मॉड्यूल में से टेक वर्क हमारा फंक्शन कॉल हुआ, देन हमारा ये कॉल हुआ,
यूजर रिक्वेस्ट और यूजर रिक्वेस्ट में से यूजर पैकेज, यूजर मॉड्यूल और यूजर रिक्वेस्ट फंक्शन, यानी कि ये वाला हमारा कॉल अगर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं बचा, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं, इतना चीज इतनी चीज़ों को आप समझ लेते हैं ठीक से, तो फिर आप अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी फोल्डर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पैकेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। साथ में बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा लास्ट में, उसमें सिर्फ हम लोगों ने वर्क और रिक्वेस्ट में और इसमें काम किया, और किसी किसी में सिर्फ वर्क और रिक्वेस्ट में ही काम किया। बाकी के जो ये फाइल्स हैं, ये एज इट इज़ हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। सो ये फाइल अगर नहीं भी होते तो भी हमारा काम, हमारा एग्जाम्पल चलता और हमारे एग्जाम्पल में समझ में आ जाता। बट मैंने इनको कट नहीं किया, मैंने इसको रिमूव नहीं किया, बिकॉज मुझे सारा कोड सेव करके रखना भी है और आप लोगों को देना भी है, इसलिए मैंने इन्हें कट नहीं किया। बट आप ध्यान रखिएगा कि इसमें और इसमें बस काम किया हुआ है और इसमें काम किया हुआ, बाकी किसी से भी हमें कोई लेना देना नहीं। क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ, हमें कुछ भी देखना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा कोड, पूरा आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, सारा कोड आपको हमारी वेबसाइट geekysource.com से मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का मिल जाएगा, बस आपको हमारी वेबसाइट में जाना है और एडवांस पाइथन का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।